हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बेटा पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और आज हमारा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में पार्ट टू है। हमने पार्ट वन कंप्लीट किया है अभी तक। बेटा जो हमने पार्ट वन में देखा था वो हमने देखा था कि जो साइंस है वो साइंस हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। पहली साइंस जो थी वो फंडामेंटल और फिजिकल साइंस। फंडामेंटल और फिजिकल्स में हमने पढ़ा था कि जो एन एनिमेट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं बट एन एनिमेट्स में पढ़ते हैं। एन एनिमेट्स को हमने तीन पार्ट में पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। दूसरा पार्ट हमने बताया था आपको बेटा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है जिसमें इन एनिमेट्स, जिसमें हम लिविंग फॉर्म्स की बात करें, जिसमें लिविंग्स की बात करें, उसको कहते थे हम इन एनिमेट्स। हमने फिजिकल या कहें फंडामेंटल साइंस कंप्लीट कर लिया था। इसके तीन साइंस पार्ट हमने बताए थे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की और बायोलॉजिकल साइंस से हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बेटा हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एन एनिमेट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? एन एनिमेट्स की, या फिर कह सकते हैं लिविंग फॉर्म्स की। लिविंग फॉर्म्स की एन एनिमेट्स का मतलब होता है, सॉरी, इन एनिमेट्स। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं बेटा? इन एनिमेट्स की। हमने बताया था कि हम फंडामेंटल और फिजिकल साइंस में किसकी बात करते हैं? एन एनिमेट्स की बात करते हैं, हम नॉन लिविंग्स की बात करते हैं। बट यहाँ पे हम बायोलॉजिकल साइंस में किसकी बात करते हैं? इन एनिमेट्स की बात करते हैं, लिविंग फॉर्म्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसको बेटा हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में बेटा हमने बताया था आपको कि हमारा टोटल बायोलॉजिकल साइंस होता है वह एक ही होता है, जिसको कहते हैं बेटा बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी बेटा। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। आप समझ गए हम क्या अभी तक समझा पाए आपको? हमने पिछली वाली क्लास में बेटा पढ़ा था साइंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला फंडामेंटल या फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फंडामेंटल और फिजिकल साइंस में हमने पढ़ा था एन एनिमेट्स या नॉन लिविंग फॉर्म्स। जहां हम एन एनिमेट्स की बात करें या नॉन लिविंग फॉर्म्स की बात करें उसको हमने बोला था बेटा फंडामेंटल या फिजिकल साइंस, जिसमें हमने तीन पार्ट पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। दूसरा पार्ट हमने बताया था आपको बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम इन एनिमेट्स की बात करते हैं, लिविंग फॉर्म्स की बात करते हैं, उसको बेटा हमने बोला था इन एनिमेट्स या बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हमने आपको बेटा सिर्फ एक ही बात बताई थी कि बायोलॉजिकल साइंस में सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ते हैं हम, जिसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी। अब हम थोड़ा बायोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन, बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन which deals with livings। ठीक है, biology is the discipline which deals with the livings या which study of the livings। ठीक है, which deals with the livings या which study of the living। ठीक, तो ये हमने नॉर्मल यहाँ की लैंग्वेज से की, बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विथ द लिविंग। जहाँ पे हम बेटा लिविंग्स की बात करें उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या फिर इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने दो बातें लिखी, पहली लिखी है बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विथ लिविंग। जहाँ पे हम किस की बात करते हैं? लिविंग्स की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी कहते हैं। या फिर इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, यह जीवन का विज्ञान है, लाइफ, जहाँ हम जीवन की स्टडी करते हैं, जीवन की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी बेटा जो टर्म है ये ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, अभी तक हमने साइंस पढ़ा था, साइंस में बताया था कि लैटिन वर्ड से आया। ठीक है, तो बायोलॉजी जो टर्म है बेटा ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से बेटा? ग्रीक वर्ड से।
और ये किसको किसको मिला के बना बेटा, बायोस, ठीक। और दूसरा बेटा होता है लोगस, ठीक। बायोस का मतलब बेटा होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है बेटा लाइफ, और लोगस का मतलब बेटा होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, जहां पे हम लाइफ की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। जहां पे हम जीवन का अध्ययन करें उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से आया है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक बेसिक सिर्फ दो बातें आपको बताई हैं। पहली चीज बताई है कि बायोलॉजी इज दिस डिसिप्लिन विच डील्स विद द लिविंग। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हम लिविंग्स के बारे में बात करें, लिविंग्स के बारे में पढ़े लिखे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा साइंस, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बताई थी, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, मतलब जहाँ हम जीवन का अध्ययन करें, जहाँ हम जीवन के बारे में पढ़े, जीवन का अध्ययन करें, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लाइफ कहते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो बेटा टर्म है ये ग्रीक वर्ड से आया है। बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में मतलब बताया हमने कि बायोस का मतलब जहाँ पर होता है लाइफ, लोगस का मतलब होता है स्टडी। ग्रीक वर्ड से आया है ये शब्द। बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से आया है। बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक। ये आपने बेसिक चीज़ें जान ली। इसमें एक चीज़ यहीं पे और हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको जो ये जो बायोलॉजी टर्म देने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। हम बेटा इसको हटा के तब लिख दें क्या, बायोलॉजी जो टर्म देने वाले हैं बेटा, बेटा जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और ट्रेवीरेनस, ठीक। जो बेटा ये टर्म है, ये बायोलॉजी टर्म, ये कहाँ से आया बेटा, ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको देने वाले जो हैं दो लोग हैं, उनका नाम बेटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो इसको देने वाले हैं उनका नाम मैं लिख रहा हूँ, इसको देने वाले जो हैं जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एंड जी ट्रेवी रेनस, ठीक। इस ये जो बायोलॉजी टर्म है ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया बेटा, ग्रीक वर्ड से आया है। इसको जो देने वाले वो जो दो साइंटिस्ट हैं, पहला है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इनको हम लेमार्क शॉर्ट में लिखते हैं आप लोग, ठीक, लेमार्क से समझिएगा। दूसरे जो है वह ट्रेवीरेनस साहब, ठीक है, जी ट्रेवीरेनस। दो साइंटिस्ट ने टर्म दिया था। बायोलॉजी जो शब्द है इसको देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और जी ट्रेवीरेनस, ठीक। ये ग्रीक वर्ड से आया है, बायोलॉजी शब्द जो है, ठीक बेटा। इनकी एक बुक है बेटा, ठीक है, नाम बड़ा बहुत बड़ा है, बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेबेंडेंट नेचर, ठीक है। आप इसका नाम मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी ऑर्डर डाई, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको, हाँ यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलॉसफी, बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलॉसफी डर लेबेंडेंट नेचर, डर लेबेंडेंट नेचर, ये इनकी बुक है बेटा, जिसमें बायोलॉजी के बारे में टोटल चीज़ें मेंशन है, ठीक है। इस पूरी बुक का नाम है बेटा बायोलॉजी ऑर्डर डाई, बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलॉसफी डर लेबेंडेंट नेचर, ठीक है। ये बुक है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की और जी ट्रेवीरेनस साहब की, ठीक है। ये बुक है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की और ट्रेवीरेनस साहब की, जिसमें टोटल बेटा क्या है कि इसके बारे में मेंशन है, ठीक। अब इतनी चीज़ें आपने देखी। हमने बेटा अभी तक बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, सिर्फ तीन बात, चार बातें अभी तक की, दो पहले की थी, दो अभी के लिए। बायोलॉजी बेटा जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ये बायोस और लोगस, बायोस का मतलब होता है बेटा लाइफ, बायोस का मतलब होता है स्टडी, लोगस मतलब होता है लाइफ, ठीक है। बायोस मतलब होता है स्टडी,
और लोगस मतलब होता है बेटा लाइफ, ठीक है, सॉरी, बायोस मतलब लाइफ होता है और लॉगस मतलब स्टडी होता है, ठीक है, बायोस मतलब लाइफ होता है और लॉगस मतलब स्टडी होता है, जहाँ हम जीवन का अध्ययन करते हैं, इट इज़ द लाइफ, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, वह उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ग्रीक वर्ड्स आया है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और ट्रेविरेना साहब ने इसको बनाया था, ये टर्म दिया था, ठीक है, बायोलॉजी जो टर्म है ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और ट्रेविरेना ने दिया था। बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेबेंडेंट इन नेचर, बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेबेंडेंट नेचर, ये बेटा कहीं पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको जानना जरूरी है, आप जान लीजिए इसको, ये सब बेसिक बातें। बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेबेंडेंट नेचर इनकी बुक है, जिसमें बायोलॉजी का टोटल जो है, जैसे बायोलॉजी कैसे बनी क्या है, ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे क्या हुआ, वैसे बायोलॉजी शब्द के बारे में, ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर जान लिया, ठीक है बेटा, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के बारे। अब दो बातें ही हम आपको और बता दे रहे हैं, ठीक है बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहते हैं बेटा, एरिस्टोटल साहब को कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा, एरिस्टोटल, ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जो बेटा होता है वो हम कहते हैं लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहते हैं, और जो फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, उसको उनको हम कहते हैं एरिस्टोटल साहब को, और एरिस्टोटल साहब को हिंदी में बेटा हम कहते हैं अरस्तु, क्या कहते हैं बेटा, अरस्तु, क्या कहते हैं, अरस्तु, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एरिस्टोटल साहब को ही हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी हम किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। इतनी बातें आपने जान ली, इससे ज़्यादा भी आपको जानने के लिए बायोलॉजी के बारे में जरूरी है। बायोलॉजी में अभी तक हमने सिर्फ गिनी चुनी बातें बताई, पहली चीज़ बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये जीवन का विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है मतलब, जहाँ हमने बताया था बायोस मतलब लाइफ होता है, लॉगस मतलब स्टडी होता है, जीवन का आज की जहाँ हमारे की स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और बायोस का मतलब होता है लोग लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इसको जो टर्म को देने वाले हैं वो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और जी ट्रेविरेना साहब हैं, ठीक है, इनकी जो बुक है बेटा वो है बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डी लेबेंडेंट नेचर, इसमें इसके बारे में मेंशन है। इसके बाद जो लास्ट बात हमने आपको बताई बेटा, बताई कि फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल को कहते हैं, एरिस्टोटल साहब को हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी हम कैरोलस लीनियस साहब को कहते हैं, ठीक, इतनी बातें जान ली। अब हम थोड़ा सा जानते हैं बेटा बायोलॉजी मेनली कितने पार्ट में डिवाइडेड है और आगे की क्या कहानी है, ठीक। बेटा बायोलॉजी को हम जो है टोटल दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम जो है दो पार्ट में पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी हमारी हम ऐसे लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी, इसको हम थोड़ा वैसे कर दें तो आप समझ नहीं समझ पाएंगे, उसको पहले हम नोट कर ले फिर आपको समझा रहे हैं। हमने आपको बताया कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को हम टोटल दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला जो पार्ट है वो जूलॉजी है, दूसरा जो पार्ट है वो बॉटनी है, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, पहला जो पार्ट है वो जूलॉजी है और दूसरा जो पार्ट है वो बॉटनी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको डिफाइन करें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एनिमल्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच, हम लिख दे बेटा नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझा रहे, हड़बड़ाओ नहीं, समझा रहे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ प्लांट्स, यहां पे विथ एनिमल्स, हमने अभी तक बेटा बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी के बाद हमने अब दो चीज़ें यहाँ पे और देखी कि बायोलॉजी को हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं, तो बेटा बायोलॉजी को हम टोटल दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, जो मेन हम पार्ट पढ़ते हैं वो बायोलॉजी के दो ही पार्ट हैं, पहला जो पार्ट है बेटा उसको जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, दूसरा जो पार्ट है बेटा उस बॉटनी है, बॉटनी को बेटा हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं। जंतु का मतलब बेटा होता है, जंतु विज्ञान का मतलब होता है, जूलॉजी का मतलब जहाँ पर हम जूस की
एनिमल्स की बात करें या फिर जहाँ हम जंतुओं की बात करें उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जूलॉजी कहते हैं। जहाँ पे हम प्लांट्स की बात करें उसको हम कहते हैं बॉटनी, ठीक है। जहाँ पे हम वनस्पतियों की बात करें उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉटनी कहते हैं। बायोलॉजी के हमने दो पार्ट बताए, पहला जूलॉजी दूसरा बॉटनी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विथ डील्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक, दो चीज़ें आप समझ गए। अब यहीं पे एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो जान लीजिए, फादर ऑफ जूलॉजी हम बेटा कहते हैं एरिस्टोटल को। किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी जिसको हम कहते हैं बेटा, वो कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। बेटा अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइएगा, मैं आपको और कहीं लिख दूंगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी तक तो आपको दिख रहा है सब, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी जो है, एरिस्टोटल की जो बुक है उसको कहते हैं बेटा हिस्टोरिया एनिमेलियम, जो हिस्टोरिया एनिमेलियम। बेटा ये जो थियोफ्रेस्टस साहब की बुक है फेमस, इसको कहते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन जूलॉजी, इट इज़ द ओल्डेस्ट लिट अवेलेबल लिटरेचर इन बॉटनी, ठीक है। ये दोनों बेटा बहुत ही पुराने लिटरेचर्स हैं जो आज भी मतलब मौजूद हैं हमारे बीच में। ये ओल्डेस्ट लिटरेचर इन जूलॉजी, अवेलेबल लिटरेचर इन जूलॉजी, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन बॉटनी, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी दो बुक हैं बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा एक बात और आपको बता दें, एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस के बीच रिलेशंस क्या थे पता है आपको? एरिस्टोटल फादर ऑफ कहते हैं बायोलॉजी, एरिस्टोटल का हमने पढ़ा है फादर ऑफ बायोलॉजी। आपको पता है एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस के बीच एक गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा है। एरिस्टोटल साहब के शिष्य रहे हैं थियोफ्रेस्टस साहब। एरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी पढ़ते हैं। उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं को सीख के थियोफ्रेस्टस साहब ने भी आगे अपना अध्ययन जारी रखा और बाद में वो बने फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। थियोफ्रेस्टस, इनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हमने अभी तक बहुत छोटी छोटी बातें बोली हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट्स हमने पढ़े, ठीक है। मेनली दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला जूलॉजी, जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा बॉटनी, बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द एनिमल्स, विच डील्स विथ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर, इट इज़ द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन बॉटनी, राइट। इतनी बात आप समझ गए। इससे ज़्यादा बेटा बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानना था, इससे इतने में आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतने में आप खूब बिल्कुल हीरो बने घूमेंगे, ठीक है। जहाँ बहुआ थे हीरो बन गए आप, इससे ज़्यादा नहीं जानना। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं और जो बेसिक हैं उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल कहानी की तरह सुनते हैं, ठीक है, कहानी की तरह पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अब आप समझिए हमने जब ये रिलेशन बताने की क्या ज़रूरत थी कि एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस में क्या रिलेशन, इससे आपको कुछ की कहानी की तरह और ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ अच्छे एरिस्टोटल टीचर थे, थियोफ्रेस्टस उनके स्टूडेंट थे, और एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी बने और बाद में थियोफ्रेस्टस को क्या बोला गया, फादर ऑफ बॉटनी बोला गया। उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम उनकी जो फेवरेट बुक थी उसका नाम रखा, इन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो कुछ मिलता जुलता है ना, आप देखिए सब चीज़ें। अब थोड़ा सा हम बेटा पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें, कुछ छोटे छोटे टर्म है उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। पहला जो टर्म है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख पाते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और जहां उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो
माइक्रोबायोलॉजी, तो क्या यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ज़्यादा तो कुछ लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, या स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जिनको देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल पढ़ेंगे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, आपको पता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर इसके क्या होने, फादर है, बाप का नाम है, ठीक। एक काम किया करेंगे हम, जितने बाप का नाम लिखा होगा उसको रेड में लिखा करें, इससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, लुईस पाश्चर, आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, माइक्रोबायोलॉजी में हमने बताया स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर इसके क्या बाप हैं। छोटे छोटे टर्म है, एक टर्म और यहीं पे देख लेते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब समझिए, आप हम फिजियोलॉजी अब आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th में भी और 11th में भी, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे आप पढ़ेंगे लाइफ के बारे में, तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। या फिजियोलॉजी का मतलब पहले आप समझिए, फिजियोलॉजी का मतलब है जो बिल्कुल कैसे आपको हम फील करवाएं वो चीज़ें, फिजियोलॉजी का मतलब है जैसे कि आप पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है बिल्कुल उसमें जो है वही पढ़ना है आपको, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं है, जो एक लाइव प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, जो फिजियोलॉजी अंदर की जो चीज़ें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बिल्कुल हम डीप स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी को आप और ऐसे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर, एक मॉर्फोलॉजी होती है, एक फिजियोलॉजी होती है, तो मॉर्फोलॉजी को क्या कहते हैं, जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बाहरी स्ट्रक्चर होती है, और जो फिजियोलॉजी क्या होती है, वो भीतरी स्ट्रक्चर होता है, जो भीतरी जितने भी चीज़ें रिएक्शन होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में बेटा आप तीन चार चीज़ें जैसे बेसिक बता दे रहे हैं आपको, आप पढ़ेंगे डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम से चैप्टर है आपको, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप, वो क्या होगा, वो जो फिजियोलॉजी में पढ़ा जाएगा, किस में पढ़ा जाएगा बेटा, फिजियोलॉजी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन लिख दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस ETC, ठीक, जहाँ पे हम भीतरी जो हमारी क्रियाकलाप है उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, लाइक जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस में मेटाबोलिज्म, बेटा आप पढ़ेंगे मेटाबोलिज्म, एक शब्द आपको आएगा मेटाबोलिक रिएक्शन, जब आप पढ़ेंगे 9th में भी, ठीक है, तो 9th में भी आप पढ़ेंगे कि मेटाबोलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और आगे भी आप जब 11th में जाएंगे वहाँ भी आपको एक पूरा मेटाबोलिक जो आप पढ़ेंगे कि कैरेक्टर्स कौन कौन से लिविंग्स के डिफाइन करने के, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा पढ़ने में, और बाकी आप जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ेंगे ही। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की हम बात करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, जीवन के जो प्रोसेस की, जो स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो हम जीवन का जो एक कह सकते हैं कि कैसे आपको पता है, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस मतलब जो जीवन में जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो बहुत बेसिक बेसिक था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब एक फिर से वही नाम यहाँ पे बेटा आ गया है, ठीक है, लैमार्क साहब का, इसको हम रफ कर दें, आज थोड़ा हम स्लो बोल रहे हैं ना बेटा, ऊर्जा की कमी नहीं है बेटा, बात ऐसा है मैं पूरे मोहल्ले में अपने अकेला रात्रि चर प्राणी हूँ,
तो अगर आप रात्रिचर प्राणी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पे हुड़दंग काट रहे हैं। बेटा यहीं पे थोड़ा सा हम लैमार्क साहब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, लैमार्क साहब के बारे में, लैमार्क साहब के बारे में अभी तक हमने बहुत चीज़ें जानी थी। ठीक है, पैक किया जाना था बायोलॉजी टर्म को देने वाले कौन है, लैमार्क साहब हैं। ठीक, ये क्या है बेटा, ये पहले लिख लेता हूँ आपको समझाएं। पहली चीज़ तो बिग बायोलॉजिस्ट है, नॉर्मल बात है भाई, बायोलॉजी के बारे में बोला तो बिग बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनकी जो बिग बुक है वो क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा ये समझ जाना, बाकी ज़्यादा परेशान मत, तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, लैमार्क साहब क्या हैं, बड़े बायोलॉजिस्ट हैं। बड़े क्या हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, बिग बायोलॉजिस्ट। द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो बेटा इनकी बुक है वो क्या है, द एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, इनकी जो बुक है। ठीक है, द एक्वायर्ड सॉरी द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, यार मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, फिर से लिखना पड़ा, सॉरी। द इनहेरिटेंस, तभी मैं बोलूँ कुछ हो रहा इसको हिंदी में बेटा अगर हम लिखते हैं तो पढ़ता है क्या पढ़ते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब आप फील करेंगे, हम सोच रहे थे फील ना करें, उपार्जित, क्योंकि इसमें फील करने लायक कुछ था नहीं। आगे आप पढ़ेंगे, छड़ों की वंशागति। अब ध्यान से समझिएगा, लैमार्क साहब एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को दिया था। ठीक है, इसके बाद जब भाई टर्म दिया तो इसके जो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बड़ा आदमी कुछ बड़ा काम करेगा, बायोलॉजी शब्द को इन्होंने डिफाइन किया है, तो इनको हमने क्या बोला है, बिग बायोलॉजिस्ट। ठीक है, अ बिग बायोलॉजिस्ट, एक बड़े वैज्ञानिक। ठीक है, एक बड़े जो है वैज्ञानिक, क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, या कह सकते हैं कि जो है जीव वैज्ञानिक, एक बड़े जीव वैज्ञानिक। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, बड़ा जीव वैज्ञानिक कहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनका जो स्टेटमेंट था या इनकी जो बुक थी, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इनकी जो इनका जो थ्योरी थी, सॉरी इनकी जो थ्योरी थी, द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ें हम में हैं जैसे अच्छी और बुरी। ठीक है, इनका जो स्टेटमेंट था बेटा वो ये था कि जो हम में हैं, जो हम में अच्छी या बुरी चीज़ें हैं, वही सेम कैरेक्टर्स आगे वाली जनरेशन में भी ट्रांसफर्ड होंगे। ठीक है, जो हम में हैं वो आगे वाली भी ट्रांसफर्ड होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो हम में जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं वो आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, आर एच विटेकर को पढ़ेंगे, 1969 फाइव किंगडम सिस्टम, तो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन है, तो आप बहुत डीप समझ पाएंगे इन चीज़ों, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये जब आप आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स वगैरह, तब इसको बहुत डीप समझ पाएंगे। अभी बस आप बेसिक जानिए, लैमार्क साहब एक बड़े वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक हैं जिनकी जो थ्योरी थी, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, की एक जो कैरेक्टर है वो आने वाली जनरेशन में भी वही चीज़ सेम ट्रांसफर्ड होगा, अच्छा और बुरा सब। ठीक है, बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई, हालांकि बाद में थ्योरी गलत साबित हुई, तो इनको जो है बेटा जान लीजिए, लैमार्क साहब के बारे में बेसिक इन्फो था यहाँ पे। ठीक, इसके बाद एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। हिस्टोरिया नेचुरलिस एक बुक है, ठीक है, जो बेटा किसी काम के नहीं है लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, एक बुक है बेटा, हिस्टोरिया
नेचुरैलिस, ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरैलिस, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक बुक है, ये एक बुक है रिटन बाय PLINY, ठीक है, प्लिनी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लिखा था। इसमें बेटा पता है इस बुक में क्या है, इसको इसको बताने का क्या रीजन है, इसमें आपको इकोनॉमिकल यूज के जो है, ठीक है, इसमें जो है आपके टोटल इकोनॉमिकल यूज के 1000 से ज़्यादा प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया, डिफाइन किया गया, ठीक, 1K इकोनॉमिक यूज, इकोनॉमिक यूज, ठीक। यहाँ पर बेटा 1000 इकोनॉमिक यूज में, जो हमारे इकोनॉमिक यूज में प्लांट्स आते हैं उसका जिक्र है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी, आपने पढ़ा होगा कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं हमें। अच्छा बताइए, कोई भी चीज़ काम की आपके है, ये मार्कर है, या सपोज दैट ये मार्कर है, और ये मार्कर हमें पता है कि हमारे पढ़ाने के काम आता है, आपको पता है कि आपके पढ़ने के काम आता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं भी जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, उनको आप ऐसे थमा देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि पेन है कि मार्कर है। ये मतलब मार्कर पेन ये भी है, लेकिन ये पेपर के लिए यूज होता है कि बोर्ड के लिए यूज होता है, उन्हें थोड़ी पता है। तो ये हम बता पाएंगे, आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि नहीं ये इस चीज़ का है, तो या फिर कहीं इसको कहीं लिखा लिखा जाए तो इस चीज़ को इन्होंने 1000 प्लांट्स को, या तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला था वो बता पाए, तो किस किस को एक्सपेरिमेंट करने वाला बताएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, लिखा, एक किताब लिखी, हिस्टोरिया नेचुरलिस, जो बुक है इसको लिखने वाले हैं प्लिनी साहब, रिटन बाय प्लिनी, और इसमें 1000 से ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज के प्लांट्स जो हैं, ठीक है। एक यहीं पे और जान लीजिए, विलियम रक्सबर्ग साहब को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, विलियम रक्सबर्ग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं, ठीक है बेटा जान लो, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी हम किसको कहते हैं, विलियम रॉक्सबर्ग को, ठीक है, विलियम रॉक्सबर्ग को, किसको कहते हैं बेटा, विलियम रॉक्सबर्ग को। यहाँ पे हमने हिस्टेरिया नेचुरलिस की बात की जिसमें 1000 ज़्यादा प्लांट्स हैं, ये रिटन बाय प्लिनी, ठीक। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा बेटा विलियम रॉक्सबर्ग को, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, ठीक। एक यहीं पे और जान लेते हैं साइंटिस्ट, ऊपर लिख दें, नीचे हम ऊपर लिख दे रहे बेटा, ठीक है आप समझ जाइएगा। डायस्कोराइड्स, ठीक है बेटा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डायस्कोराइड्स जो है, जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ये जो हैं ऑथर ऑफ ये नहीं चल रहा दूसरा ले, हिस्टोरिया, सॉरी हम क्या पढ़ रहे बेटा, डायस्कोराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, डायस्कोराइड्स आपके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑथर ऑफ डी मेडिका, डी मेडिका मेराटा, ठीक है, ये डायस्कोराइड साहब हैं, ऑथर ऑफ डी मेडिका, सॉरी डी मेटेरिया मेडिका, ये यार मेडिका, ठीक है, ऑथर ऑफ डी मेटेरिया मेडिका, ठीक है, ऑथर ऑफ डी मेटेरिया मेडिका, ये बुक है इनकी, डायस्कोराइड साहब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, डायस्कोराइड साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी में नाम आप कंफ्यूज ना हो, डायस्कोराइड्स हम पढ़ रहे हैं, डायस्कोराइड साहब के बारे में, ऑथर ऑफ डी मेटेरिया मेडिका, ये क्या है बेटा, बुक है, ये बुक है जो कहाँ काम आती पता है आपको, ये इम्पोर्टेंट बुक ऑफ होम्योपैथी, जो BHMS कर रहे हैं, सॉरी BAMS कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा बुक ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी, ठीक है,
इम्पोर्टेंट बुक ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी मतलब बेटा जो बी ए एम एस कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल सर्जरी, ठीक है। बी ए एम एस जो कर रहे हैं वो आपको ये बता पाएंगे डायस्कोराइड साहब के बारे में कि ऑथर ऑफ डी मेटेरिया मेडिका जो बुक है इनकी, ये कितने काम की है, इम्पोर्टेंट बुक ऑफ होम्योपैथी, ठीक। इतनी चीज़ें आपने जान ली, इसके बारे में बेटा बस इतना जान लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना था। आपने बायोलॉजी पढ़ा और बायोलॉजी के टोटल पार्ट्स पढ़े, और कुछ आपने बेसिक इन्फो जाना कई कुछ साइंटिस्ट के, कुछ बुक्स के, ठीक, और कुछ बेसिक थ्योरियों के। इतना पढ़ने के बाद सोच रहा हूं लोग इंटरवल होगा बट आप समझ पा रहे हैं, बहुत हौले हौले बहुत छोटी छोटी चीजों को हम बता रहे हैं, कोई पूछेगा नहीं और कहीं बताना भी नहीं है आपको, मुफ्त में नहीं बताना है, कोई पूछे तब तो बता देना, कुछ मिल सकते हैं आपको चाचा टाइप के लोग। अब बेटा इतना पढ़ने के बाद हम जो अगली लाइन लिखने जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। अच्छा बताओ, हम जो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं हम लोग कि हमारे बहुत बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, हमने आयुर्वेद, हमारे यहाँ आयुर्वेद का जगत, हम भारत है, आयुर्वेद हमारे यहाँ से हर जगह फैला है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब आपको भी और सभी को प्रूफ चाहिए ना कि प्रूफ दिखाइए क्या है। तो बेटा अभी तक हमने जो बायोलॉजी के लिए पढ़ा है, हमने बेटा ये जो बातें लिखी हैं, हमने भी जो बताया आपको कि हम कहते हैं आयुर्वेद का जनक भारत है, आयुर्वेद का पिता भारत है, आयुर्वेद की जननी भारत है, ठीक है, आयुर्वेद का जो माता और पिता दोनों हैं वो कहाँ से हैं, भारत से हैं, क्योंकि भारत ने ही पूरी दुनिया को आयुर्वेद दिया है, ठीक है। तो आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद आपको ये जात के बायोलॉजी के बारे में क्या बात करें आपसे बेटा, जो दुनिया को पहला सर्जन मिला था ना, जो दुनिया को पहला सर्जन मिला था वो भी भारत से मिला था। बायोलॉजी तो बहुत छोटी छोटी सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमने करी हैं तो ये छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको पता है जितना आपको अपने पूरा पूर्वजों को जो को जान के हैरानी होगी, एक बड़ा ताजुक सा लगेगा, उससे ज़्यादा शर्म आएगी अपनी आज की पीढ़ी को लेके, अपनी जनरेशन को लेके, कि हम भाई घिस्सा बेटा इतिहास दोहरा रहे हैं, हमने कोई नया रिकॉर्ड अभी तक नहीं बनाया, हम उसी पे चलते जा रहे हैं जो एक पुरानी लीग हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादा लोगों ने खींच दी थी, उसी को चल रहे हैं। सुश्रुत के बाद आजकल तक कोई भी इतना बड़ा सर्जरी करने वाला डॉक्टर नहीं हुआ कि जिसका नाम एक बड़ा रिकॉर्ड में बने, तो मतलब वो पुरानी चीज़ें हैं, नए रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया, इसको हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो है वो भारत में क्या रही है, उसका पुराना इतिहास क्या रहा है, ठीक है, बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। तो रेफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल इन उपनिषद एंड वेदास। बेटा इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं, आप सुनते जाइएगा, ठीक है। रेफरेंसेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल इन उपनिषद एंड वेदास, ठीक है, उपनिषद एंड वेदास, ठीक है, उपनिषद एंड वेदास, 1500 BC to 600 BC, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उपनिषद और वेदास में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। क्या मेंशन है बेटा, उपनिषद और वेदास में चीज मेंशन है कि रेफरेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, रेफरेंस और क्लासिफिकेशन ये अवेलेबल है रेफरेंसेस एंड क्लासिफिकेशन केशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन
उपनिषद एंड वेदास, ठीक है, जो एक रेफरेंस था, एक संदर्भ था कि बायोलॉजी जीवन की का कैसे जो है, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाए, कैसे इसको जो है बांटा जाए अलग अलग, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए, ठीक है। वो किसमें मेंशन है बेटा, वो उपनिषद एंड वेदास में अवेलेबल था, वो उसमें अवेलेबल था पहले से ही, ठीक है। हमारे जो उपनिषद है और हमारे वेद हैं उसमें 1500 BC से 600 BC तक के बीच में यहाँ पे जो है ये पहले से चीज़ें मेंशन थी, ठीक है, रिकॉर्ड में थी, ये रिकॉर्ड है बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अबाउट 740 प्लांट्स एंड 250 एनिमल्स अबाउट 740 प्लांट्स एंड 250 एनिमल्स have been mentioned in वैदिक लिटरेचर, किसमें बेटा, वैदिक लिटरेचर में। सात सौ चालीस प्लांट और 250 एनिमल्स किसमें मेंशन है बेटा, वैदिक लिटरेचर में। जो हमारा वैदिक लिटरेचर है बेटा आज से बहुत पहले, उसमें क्या है बेटा, 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स हैव बीन मेंशनड इन वैदिक लिटरेचर, ठीक है। जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसमें भी 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स मेंशन किए गए हैं। तो इसका मतलब बेटा, जो हम आज पढ़ते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी ये है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी ये है, फादर ये है और टर्म यहाँ से आया है और ऐसे इन लोगों में, तो पता है वो चीज़ें हमने बेटा बहुत पहले कर ली थी। बस पता है प्रॉब्लम क्या है कि वो हमने अपने एक कह सकते हो कि हमारा कल्चर था, हम शोध किया, हमने लिखा, लेकिन हमने इसका प्रसार नहीं किया। जिसने प्रसार किया वो आगे बढ़ा। हमारे बेटा वेद में, हमारे उपनिषदों में पहले चीज़ें मेंशन रही हैं, लेकिन हमने कहा ना, जितना आपको अपना अतीत जान के हैरानी होगी उससे ज़्यादा आपको अपना वर्तमान और भविष्य, वर्तमान कह सकते, भविष्य नहीं, वर्तमान जान के उससे ज़्यादा आपको अपने आप पर शर्म आएगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, क्या हमने किया, सोचे कि हमारे वेद उपनिषद में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ठीक है। और हमने दो इस दुनिया को पहला सर्जन दिया, सुश्रुता को आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो लेकिन आज का जो इतिहास है, सोचिए आप कि आज क्या हो रहा है, सिर्फ पैसे कमाने की भीड़ लग गई है, पैसे की मारामारी मची, और हम सिर्फ डॉक्टर बनने के बाद बेटा पैसे कमाने पे भागते हैं। किसी भी प्रोफेशन में जाने के बाद हम ये नहीं सोचते कि उसमें कितना बेस्ट किया जाए, हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए, हम 135 CR जो हमारी पॉपुलेशन है हम इसको रिप्रेजेंट कर पाए, हम उसका नेतृत्व नहीं करना चाहते, हम बेटा सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, परिवार के साथ अपने कुछ लोगों में अपना सीमित दायरे में जीना चाहते हैं, जो बेटा बेहद गलत है, ठीक है। अगर आपको मौका मिले तो आप प्रयास कीजिए कि आप सुश्रुता के बाद भारत एक बार फिर से जो है विश्वगुरु बने और चमके, और ऐसे ही गुरु बनेगा बेटा भारत, ठीक है। तो ये चीजें रही। अब हम थोड़ा सा उपनिषदों की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो उपनिषद है बेटा वो है चंडयोग्य उपनिषद। क्या है बेटा, इसमें बेटा तीन टाइप से उपनिषद, जैसे हमने पढ़ा ना फाइव किंगडम सिस्टम बेटा कब आया था हमारा, 1969 ने आर एच विटेकर ने दिया था, उसके पहले बेटा, ठीक है। हमारे इस उपनिषद में जो चंद्योग्य उपनिषद है इसमें पहले से मेंशन थी, ये जो है थ्री टाइप्स में, ठीक है, इसको थ्री टाइप्स में, इसको थ्री टाइप्स में यहाँ पे पहले ही क्लासिफाई कर दिया गया था, पहले ही क्लासिफाई कर दिया गया था, ठीक है बेटा, इसको जो है पहले ही क्लासिफाई कर दिया गया था, जीरज, अंडज, उभिजा, ठीक, इसको शायद विवी पैरस कहते हैं, समझते जाइएगा, इसको ओवी पैरस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और इसको उभिजा को क्या कहते थे बेटा, इसको वीवी पैरस कहते हैं, इसको ओवी पैरस कहते हैं, ठीक है, इसको वीवी पैरस कहते हैं, इसको ओवी पैरस कहते हैं, इसको वेजिटल ओरिजिन कहते हैं, वेजिटल ओरिजिन, ठीक।
जीरज अंडा जो भेजा, जो हम आज बेटा आर्यच विटेकर का 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या क्या बेटा उसमें है, ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो तीन थे वो पहले ही हमने क्लासिफाई कर लिए थे, ठीक है। जो जो हमारा चांडोग्य उपनिषद है इसमें हम पहले इस चीज़ को मेंशन था कि तीन टाइप्स के, जीरज अंडज उभिजा। जीरज को हम विवीपेरस कहते हैं, अंडज को हम ओवीपेरस कहते हैं, उभिजा को हम वेजिटल ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, वेजिटल ओरिजिन कहते हैं। हम मैमल्स की बात करते हैं किसमें, जीरज में हम मैमल्स की बात करते हैं, वेल्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। लिख दे रहे बेटा यहाँ पे, इसमें बेटा हम मैमल्स की बात करते हैं, इसमें हम बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, और यहाँ पे बेटा हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल एनिमल या स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कितनी हैरान करने वाली बात है बेटा कि जो चीज़ें हमने 1969 में सीखी उसको हम उससे पहले हमने मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, हमारे लोगों ने, हमने पहले ही, हमारे गुरुओं ने पहले ही वहाँ पे लिख दिया था, भारत के इतिहास में पहले वो चीज़ मेंशन थी। बस बात ये थी प्रचार और प्रसार की कमी से हम जो है यहाँ रह गए। नहीं तो आज जो आप पढ़ते हैं ना आर एच विटेकर से पहले का, वो आप हमें भी पढ़ते, आपको अपने आप को ही पढ़ने का मौका मिलता। बट वही रीज़न है ना कि हमारे यहाँ प्रतिभाएं बेटा कभी कभी अच्छे मंचों तक ना पहुँचने की वजह से जो है मोहताज हो जाती हैं, प्रसार उनको एक अच्छा, मतलब कह सकते हो कि स्टेज नहीं मिल पाता जहाँ से वो अपनी प्रतिभा के बदौलत चमक सकें। तो यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं, आप किसी भी स्टेट में जाइए, चाहे आप बिहार में जाइए, असम में जाइए, उड़ीसा में जाइए। अभी आप उड़ीसा में देखिए आप कि किस तरीके से जो है ओलंपिक में आपने देखा परफॉर्मेंस कैसे कैसे। तो यहाँ पर बेटा बस एक अच्छा अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो बंदे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारे पुरखे की बात है, हमारे जो पूर्वजों की बात है कि कितना वो किस कितने विशाल रहे होंगे। आज की जनरेशन सोचिए कितनी एडवांस है, कितनी हाईटेक है, बट पता है हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम आज बंध गए हैं। हम बंध किन चीज़ों में गए हैं, इमोशनली बंध चुके हैं, हम भावनात्मक बंध चुके हैं, किन में, पैसे में, गाड़ियों में, दुनिया छोटी, हमारा दायरा बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। हम विश्वगुरु बनने की अपनी वो एक जो उम्मीद है उसको पता नहीं क्यों भूलते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नहीं बस ऐसे जीते जाइए, खाना जीना यही जीवन है। नहीं बेटा, अगर आपको मौका मिले कभी भी बड़े मंचों से कभी भारत को रिप्रेजेंट करने का, तो आप समझिएगा आपकी आपको जो आपको ये जीवन मिला है, जो आपको लाइफ मिली है, आपने इसका जो है जो मेन पार्ट था वो आपने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको मौका मिले ऐसा कुछ करने का तो बिल्कुल कूद जाइएगा, ठीक, क्योंकि घर परिवार को, गांव को, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ पे आप पूरे इस हिंदुस्तान का, पूरे भारत भूमि का नेतृत्व करते हैं ना बेटा, वहाँ बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है, ठीक है। किसी को भी बात कीजिए, अभी ओलंपिक में आपने देखा होगा जो नीरज चोपड़ा है, तो ऐसे पता नहीं कितने लोग चमके। तो नीरज चोपड़ा को देखिए आप, बड़े क्रिकेटर्स को देखिए, किसी बड़े पॉलिटिशियन को देखिए, किसी बड़े डॉक्टर्स को देखिए। हालांकि डॉक्टर्स में भी तो इतने बड़े बड़े नाम मैंने नहीं सुने, आपने सुने होंगे तो अच्छी बात है, मुझे जानकारी मेरे नहीं है। तो बेटा इस प्रोफेशन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कलाम साहब को देखिए जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें दी, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको कभी भी मौका मिले ना बेटा, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारा इतिहास वास्तव में, और कुछ भी हमारे इतिहास को हम ही लोग गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। जिस दिन बेटा अपने इतिहास को आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको प्राउड होगा, और दिल से प्राउड होगा कि नहीं, प्राउड टू बी इन इंडियन, ठीक है। तो ये चीज़ को समझने, क्योंकि हम अज्ञानतावश अपने आप को समझ नहीं पाते, और हमें लगता है हमारे अतीत में क्या रहा है, कुछ नहीं रहा है। लेकिन बेटा आपको बता दें, हमारा अतीत इतना उज्ज्वल रहा है कि आज उसी की वजह से ज्यादातर तो हम अपने अतीत की वजह से अपने वर्तमान को चमकाते हैं। आपको पता नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ एक कमरे में बंद हैं, जो बाहर हैं बैठे उनसे पूछे ना आप, जो पॉलिटिशियन हैं या जो अदर अदर फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे पूछे कि हमारा अतीत क्या रहा है। लेकिन बस वही बात हमने बोली ना कि जितनी आपको ज़्यादा जान के ताजुब लग होगा, हैरानी होगी अपने अतीत को लेके, उससे ज़्यादा शर्म आएगी आपको अपने वर्तमान को जान के, क्योंकि आज हम बन चुके हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में हमने आपको बांध रखा है, ठीक। तो सुश्रुत इतना आपने देख लिया बेटा, और इसके बाद हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता की, ठीक है। सुश्रुत कौन है बेटा, पहले सर्जन है, ठीक है। दुनिया को पहला सर्जन कहाँ से मिला बेटा, भारत से मिला, ठीक है। तो सुश्रुत के नाम से है सुश्रुत संहिता, ठीक, हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। हम
हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, सॉरी संहिता, सुश्रुत संहिता में बेटा हम दो टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है, दो टाइप्स में पढ़ते हैं। इसको पहले आप समझ लीजिए सुश्रुत संहिता क्या है, ठीक है। सुश्रुत संहिता है कौन, सुश्रुत के नाम से ही सुश्रुत संहिता पढ़ी, ठीक है। सुश्रुत कौन है बेटा, फादर ऑफ सर्जरी, क्या है बेटा, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी। आपको पता है बेटा, आपके अंदर अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई है इस दुनिया में जिन्होंने सिर्फ ऐसे सोचा और कर दिया और आज बहुत बड़ा कारनामा हो गया, ठीक है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, आपको पता है जो पहली लिविंग सेल देखी थी वो किस आदमी ने देखी थी, किसी साइंटिस्ट ने नहीं देखी थी बेटा, वो एक बहुत कम पढ़े लिखे आदमी ने, जिसको हम साइंटिस्ट का दर्जा भी नहीं देते, अनटाइटल्ड साइंटिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, एंटोन वॉन लेवेनहॉक। उसकी एक चेष्टा थी, वो क्या करता था, उसके पास खुद का बना एक माइक्रोस्कोप था, वो कुछ भी करता था, देखते रहता था, कुछ भी करे, एक्सपेरिमेंट, हर जगह एक्सपेरिमेंट उसका जारी था, और इसी चेष्टा ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि आज जो है उस हम उसको पढ़ते हैं, भले हम उसको अनटाइटल्ड साइंटिस्ट का दर्जा देते हैं, उसको हम वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जब पढ़ते हैं सभ्य साइटोलॉजी की बात करते हैं, पहले लिविंग सेल की बात करते हैं, तो हम एंटोन वॉन लेवेनहॉक की बात करते हैं, ठीक। वैसे बेटा सुश्रुत संहिता, सुश्रुत साहब को हम क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। कहाँ के हैं बेटा, हम प्राउड के साथ कहिए कहाँ के हैं, भारत भूमि के हैं। कहाँ से हैं, भारत भूमि से हैं, ठीक है, ये भारत भूमि के स्टार बेटा रहे हैं। तो अब फादर ऑफ सर्जरी हम कहते हैं सुश्रुत को। आपको बताया, अब आप पूछे कि कैसे इन्होंने सर्जरी स्टार्ट कर दी, पता है आपको, जब राजा महाराजा किसी को फांसी दे दिया करते थे अपने यहाँ, ठीक है, जब राज प्रथा हमारे यहाँ थी, अंग्रेजों से पहले जो हमारे यहाँ राज प्रथा होती थी, तो उस टाइम में जो है जब क्या होता था कि कैसे समझिए, अंग्रेजों के टाइम पे जब किसी को, आपने देखा होगा अंग्रेज क्या होते थे भाई, अंग्रेजों के पहले क्या होता था, राज प्रथा थी, राज प्रथा में क्या होता था, राजघराने हुआ करता था, राजघराने में क्या होता था, कोई भी कुछ किसी राज्य का सैनिक आके हमारे यहाँ हमला कर दे, फिर राजा आदेश दे देता था इसको मार दो, कुछ भी कर दो, काट दो, तो मारने काटने के बाद जो होता था उसकी बॉडी क्या करते थे, सुश्रुत साहब क्या करते थे, उसकी बॉडी मांग लिया करते थे, राजाओं के यहाँ जाते थे, भीख मांगते थे, मुझे एक बॉडी दे दीजिए, और ये बॉडी भी क्या करते थे, उस पर काट पीट किया करते, ठीक है, उसके जो है ईयर नोज थ्रोट जो भी ये सब ऑपरेशन वगैरह किया करते थे, ठीक है, ऑप्थैल्मिक सर्जरी, और साथ में बेटा जोंक से जहर निकालने का भी जो कला है, जोंक से लीच थेरेपी, ठीक है, जिसको लीच थेरेपी कहते हैं, इन्होंने लीच थेरेपी भी स्टार्ट की, लीच थेरेपी उस टाइम किया करते थे, ठीक है। तो सुश्रुत जो साहब जो है क्या करते थे, डेड बॉडी लिया करते थे राजाओं महाराजाओं के यहाँ से, और उस पर बेटा एक्सपेरिमेंट लगातार करते रहते थे, कंटिन्यू इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहता था। उसके बाद इन्होंने ऑप्थैल्मिक सर्जरी की, नोज की और अलग अलग सर्जरी इनकी बढ़ती गई, तो इन्होंने फाइनली जो है काफ़ी जगहों पर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इन्हें बहुत बड़े बड़े मौके मिले फिर अपने आप को साबित करने का, प्रूफ करने का, और इन्होंने फाइनली ऑप्थैल्मिक सर्जरी की, कई लोगों के नोज की सर्जरी की, तो दुनिया को जो पहला सर्जन मिला वो कहाँ से मिला बेटा, इंडिया से मिला, फर्स्ट फादर ऑफ सर्जरी किसको कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी हम कहते हैं सुश्रुत को, ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी। बाप किसे कहा जाता है बेटा, बाप मतलब बाप, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता पढ़े, सुश्रुत संहिता में बेटा हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, इसको जो क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, स्थवरा जंगमा, स्थवर जंगमा, जंगमा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इसमें बेटा पता है स्थवरा, स्थवरा को क्या कहते हैं, ई मोबाइल ऑर्गेनिज्म। इसको बेटा दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, स्थवरा और जंगमा, ये जो सुश्रुत संहिता थी इसमें बेटा क्या था, इसमें क्या मेंशन है हम आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल ऑर्गेनिज्म, इमोबाइल का मतलब समझते हैं बेटा आप, स्थिर जो हो, जो स्थिर हो, इमोबाइल, और जो मोबाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो गतिमान ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो चलते रहते हैं, ठीक है, जो न चल पाए, जो चल सके,
सुश्रुत साहब को क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, ठीक है। सुश्रुत के नाम से सुश्रुत सम्हिता है, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। और इन्होंने जो है इसको जो है बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्थावरा जंगमा, ठीक है, स्थावरा जंगमा। स्थावरा में क्या होता है बेटा, इमोबाइल ऑर्गेनिज्म जो चल ना सके, ठीक है। इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला जो नहीं चल सकते, दूसरे जो चल सकते हैं। इन्होंने चलने के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन था, जो न चल पाए उनको क्या कहते हैं, स्थावरा कहते हैं, इमोबाइल ऑर्गेनिज्म। जो चल सके उसको मोबाइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो जंगमा होता है, जंगमा, ठीक है, स्थावरा और जंगमा। तो इनका दो प्रकार से जो है, स्थिर और गतिमान, ये स्थिर है और ये गतिमान है, ये बेसिक है। दो टॉपिक, पहली चीज सुश्रुता साहब ने क्या हुआ, दो टाइप से इसको डिवाइड किया, पहला स्थावरा, दूसरा जंगमा। स्थावरा में किसकी बात करते हैं, इमोबाइल ऑर्गेनिज्म, जो स्थिर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो न चल पाए। दूसरा जंगमा, जो चल सके, मोबाइल ऑर्गेनिज्म, जो चल पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जंगमा कहते हैं। तो सुश्रुत साहब ने दो चीजें करी, ठीक। अभी हमने आपसे बोला ना कि एक चीज और यहीं पे आप जान लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धनतेरस, अभी दिवाली भी थी हाल ही में, ठीक है, कुछ महीनों पहले। और हमने क्या किया, धन दिवाली के पहले एक धन वाला त्यौहार मनाते हैं हम, ठीक है। धन वाले त्यौहार को बेटा हम क्या कहते हैं, धनतेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, धनतेरस। अच्छा, वो जो धनतेरस होता है वो किस लिए मनाया जाता है पता आपको बेटा, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, कुछ को तो पता ही नहीं है, बस वो तो लिख देते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान मिलता रहता है वो चिपकाते रहते हैं, धनतेरस की शुभकामनाएं। कुछ का तो मैंने बड़े बड़े लोगों का ट्वीट देखा, नाम नहीं लूंगा, माँ धन्वंतरी, धन धन धनतेरस पे माँ आपको खूब आगे बढ़ाए, आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा बनी। भाई धनतेरस क्या किसी माँ की वजह से मनाया जाता है? नहीं, धनतेरस किसकी वजह से मनाया जाता है, धनतेरस का जो फेस्टिवल है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं एंड्रेस विजली साहब के बारे में, इनसे उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन जान लीजिए। एंड्रेस विजलिस ये हैं कौन, एंड्रेस विजलिस कौन है थोड़ा जान लीजिए, फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी लिटरेचर, फादर ऑफ ह्यूमन ह्यूमन एनाटॉमी या लिटरेचर इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक, इंडिया, जय है इंडिया, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, जो भी हमने चर्चा की थी किसकी, धन्वंतरी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा, धन्वंतरी, धन्वंतरी प्रधानमंत्री, धन्वंतरी, धन्वंतरी को बेटा हम कहते हैं क्या बेटा, फादर ऑफ गॉड, फादर ऑफ मेडिसिन, या गॉड ऑफ मेडिसिन, सॉरी, फादर ऑफ गॉड बोल रहे हैं हम भी, भांग नहीं कुछ पी की नहीं है बेटा, गलत बात। गॉड ऑफ मेडिसिन, जितने लोग बीफार्मा कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, अगर उनसे आप पूछिए कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो वो शायद अगर ज़्यादा अच्छे होंगे तो बता पाएंगे, नहीं मॉडर्न बता पाएंगे। जो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, गॉड ऑफ मेडिसिन हम किसको कहते हैं, धन्वंतरी साहब को कहते हैं। किसको कहते हैं, धन्वंतरी साहब के। आपको पता है धन्वंतरी साहब जो हैं, जो गॉड हैं, भगवान हैं हमारे, धन्वंतरी साहब, साहब क्यों लगा रहे हो यार, भगवान को भी साहब, जो धन्वंतरी जी हैं, धन्वंतरी जो हैं, ये भगवान धन्वंतरी जो हैं, इन्हीं की वजह से बेटा हम दिवाली के पहले तेरस जो आती है उस पर त्यौहार मनाते हैं, धनतेरस, ठीक है। धनतेरस जो होता है ना बेटा, वो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए होता है। किसके लिए होता है, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए होता है, क्योंकि भगवान अगर हैं इसके दवाई के, भगवान बर्तन के तो है नहीं, भगवान ज्वेलरी के तो है नहीं, भगवान ऑटोमोबाइल्स के तो है नहीं, किसके हैं बेटा, मेडिसिन के। तो मेडिसिन की ज़रूरत कब पड़ती है बेटा आपको, जब आप की हेल्थ ठीक ना हो, ठीक है, आपकी जब हेल्थ क्या हो, ठीक ना हो। और
ये जो त्यौहार है बेटा ये इसलिए मनाया जाता है कि आप अपनी हेल्थ को जो है सेलिब्रेट करें, एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए आपके पास, अपनी हेल्थ के लिए आप जागरूक हों, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट है, इस मार्केट ने इसको इस तरह से घुमा दिया, सिर्फ इस दो, ये जो चार लेटर हैं इनके नाम के, धन, इस पूरे शब्द ने इस त्यौहार का मतलब ही बदल दिया, इस पूरे शब्द का मतलब ही बदल दिया। और धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन से अब जो है धन्वंतरी भारत में क्या बन गए हैं, धनतेरस। धनतेरस का मतलब है धन बरसे, धन बरसे का मतलब है आपके यहाँ नहीं, व्यापारियों के यहाँ, क्योंकि आप तो जाएंगे उस दिन खर्च करने। क्या लेंगे? गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें लेंगे, फर्नीचर लेंगे और बर्तन लेंगे, ज्वेलरी लेंगे। तो ये धन्वंतरी के नाम से बेटा धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। ये हम जैसे कहते हैं ना कि अज्ञानी लोगों ने इसको इतना प्रसारित कर दिया है कि धन्वंतरी जो है धन का त्यौहार होता है, धन का त्यौहार नहीं होता बेटा, धन्वंतरी स्वास्थ्य का होता है। आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता, ठीक है। आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके पास सब कुछ है, एक उत्तम स्वास्थ्य, एक अच्छे स्वास्थ्य से एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है। एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है, आपके ही नहीं, किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी राज्य के, किसी, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य, वो जहाँ का अगर राजा अच्छा है और राज्य का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई मतलब है? स्वास्थ्य तो अच्छा होना चाहिए ना। तो आपकी जो हेल्थ है वो सबसे बड़ी जो है आपकी धन है, ठीक है। आपका जो स्वास्थ्य है आपका सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही क्या है, सबसे बड़ी वेल्थ है। तो धन्वंतरी साहब के बारे में आपने जान लिया, धन्वंतरी के की वजह से हम क्या मनाते हैं बेटा, भगवान है धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, दवा के भगवान है, ठीक है। भगवान है दवा के, और इन्हीं की वजह से बेटा हम क्या मनाते हैं, धनतेरस। लेकिन धन्वंतरी के नाम में धन जुड़ा हुआ है, इसलिए धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन की जगह क्या बन गए बेटा, गॉड ऑफ मनी, पैसा, ठीक है। सॉरी, मजाक के लिए था, इस भावनाओं में मत बहिएगा, ठीक है। ये तो हम जो अंधभक्ति में लोग विलुप्त हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो हमने भी बेटा क्या क्या सीखा, बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया बात कर ली, ठीक, इतनी चीज़ें हमने बात कर ली। अब एक दो तीन तीन ऐसी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और जान के आपको लगेगा कि नहीं, जीवन जो हम जी रहे वो जीवन नहीं है, जीवन कुछ और होता है। बेटा हमने लिखा है यहाँ पे सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, ठीक है। सेरेंडिपिटी को जानने से पहले थोड़ा सा आप हमारी कहानी सुनिए। सेरेंडिपिटी का मतलब बेटा ये है कि जैसे कुछ डिस्कवरी, आप खोज किसी और चीज़ को रहे हो और खोज किसी और चीज़ की हो जाए, ठीक है। इसको बेटा हम कहते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्या कहते हैं बेटा? एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। दोनों कलर में बहुत गलत यूज कर रहा हूँ, शायद आपको दिखे ना, ठीक है। हम बेटा यहाँ पे लिखा है हमने सेरेंडिविटी, सेरेंडिपिटी, ठीक है। SERENDIPITY, ठीक है, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी क्या बेटा हमने लिखा है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब थोड़ा ध्यान से समझिए कि आपके घर में गायब हुई है आपके कार की की, ठीक है। आपको ढूंढना है अपने कार की, लेकिन आपके फादर का, आपके पिताजी का क्या मिल जाए? आपको वैलेट मिल जाए। आप खोजने के निकले थे अपने कार की चाबी और आपको मिल क्या गया? अपने पिताजी का वैलेट, पर्स मिल गया, बटुआ मिल गया, ठीक है। तो इसको क्या हो गया? ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई। बहुत दिन से गायब था भाई, उसमें खूब ज़्यादा पैसे भरे हुए थे लेकिन मिल नहीं रहा था। आपने चाबी ढूंढी और चाबी ढूंढने के चक्कर में आपको क्या मिल गया? अपने पिताजी का बटुआ मिल गया। ये बेटा क्या हो गया? एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई। आपके साथ अचानक हुई घटना आई है जिसमें बहुत सारा क्या मिल गया? आपको माल मिल गया, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेरेंडिपिटी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी बेटा हम तीन अलग अलग साइंटिस्ट की बात करते हैं, ठीक। पहला जो बेटा हम यहाँ पे देखो कैसे नाम लिखे, ऐसे ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। पहला बेटा हम जो नाम लिख रहे हैं, एंटॉन वॉन लुवेन हॉक, ठीक, एंटॉन वॉन लुवेन हॉक। दूसरा बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, ठीक, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तीसरा बेटा नाम लिख रहे हैं, एडवर्ड, एडवर्ड जेनर, ठीक, एडवर्ड जेनर। बेटा हमने यहाँ पे तीन नाम लिखे हैं,
पहला हमने लिखा है एंटोन वन लेवेनहॉक साहब का, दूसरा हमने लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का, और तीसरा लिखा बेटा एडवर्ड जेनर साहब का। तीनों के बारे में पहले बेसिक जान लीजिए, ठीक है, कौन क्या है, फिर मैं आपको कहानियाँ बता रहा हूँ। एंटोन वन लेवेनहॉक साहब ने क्या किया था बेटा, फर्स्ट डिस्क्राइब फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल। एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने क्या किया था बेटा, फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ वेक्ट्रा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वेक्ट्रा। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। बेटा तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तीनों के बारे में आपको बहुत बड़ी कहानी बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बेसिक बता दिया। पहले मैंने आपको बताया बेटा एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब को, एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवरी ऑफ बैक्टेरिया की डिस्कवरी करी थी इन्होंने, ठीक है, जो जीवन की पहली उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, जो पहला लाइफ इन्होंने देखा था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बेटा पेनिसिलिन की खोज की, और एडवर्ड जेनर साहब ने वैक्सीन की। ये तीनों साइंटिस्ट बेटा बड़े अजीब हैं, ये तीनों साइंटिस्ट जो है बेटा बड़े अजीब हैं, और इनकी कहानी बड़ी अजीब है, ठीक है। आपको पता है हमने ऊपर लिखा है सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का मतलब बेटा है एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये बेटा तीनों डिस्कवरी बेटा है एक्सीडेंटल हुई हैं। क्या है? एक्सीडेंटल हुई हैं, मतलब इन्होंने खुद से नहीं किया, ये कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। पहले जानिए आप एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब के बारे में, किसके बारे में, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को हम कहते हैं अनटाइटल्ड साइंटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो लेवल तक इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इसलिए इनको अनटाइटल्ड साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है ना भाई, डिग्री नहीं है, ज्ञान बहुत है बंदे के पास, डिग्री नहीं है, तो अनटाइटल्ड साइंटिस्ट कहते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने। इनके पास पता है आपका उस टाइम का सबसे बढ़िया एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप था, खुद का बनाया, सेल्फ ऑर्गेनाइज जो माइक्रोस्कोप था इनका खुद से बनाया हुआ, ठीक है, इन्होंने सेल्फ डिजाइंड इनके पास माइक्रोस्कोप था, और उसी जो लेंसेस को जोड़ के इन्होंने बनाया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने। और ये उस माइक्रोस्कोप से क्या करते थे बेटा, कुछ भी वो देखते रहते थे, और इन्होंने बेटा ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता रहता था, जब हमारे पास कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे जब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक। तो इनके पास भी जब ये चीज़ आई तो ये क्या करते, देखते रहते थे कुछ भी, कहीं भी कुछ वो देखते रहते थे। तो इन्होंने बेटा पहली लिविंग सेल जो है वो पॉन्ड वाटर में देखी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, जीवन का पहला जो एक किरण थी वो इन्होंने कहाँ देखी थी बेटा, पहली जो देखी थी पॉन्ड वाटर में, पानी में देखी थी, जो पहली लिविंग सेल थी। हालांकि इनको ये कम पढ़े लिखे थे, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, अनटाइटल्ड साइंटिस्ट, ठीक। इनको जो है हमारी जो भारतीय साइंस है, ठीक है, जो साइंस है वो साइंस वर्ल्ड में इनको जो है बेटा हम अनटाइटल्ड साइंटिस्ट कहते हैं, मतलब इनको हम साइंटिस्ट पूरी तरह से नहीं मानते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे सिर्फ इस वजह से, ठीक। दूसरा नाम आता है साहब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब बेटा आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि ये काफ़ी जैसे जो हमारे सैनिक होते थे, ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स होते थे, उनको क्या होता था बेटा, भाई कट जाते थे, कुछ हो जाता था, तो वहाँ पे क्या होता था बेटा, वहाँ पे सड़न हो जाने लगती थी, ठीक है, सड़न होने लगती थी, मतलब फफूंदे टाइप के बन जाते थे, सड़न होती थी, तो उसके लिए क्या हुआ बेटा कि सैनिकों के हाथ पाँव काटने पड़ते थे, क्या करने पड़ते थे बेटा, हाथ पाँव काटने पड़ते थे, और इस वजह से जो है बेटा ये उस पर मतलब सोच रहे थे कि आखिर कैसे जो है कुछ ऐसी दवा बनाई जाए, क्या किया जाए कि जो हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं उनके हमें हाथ पाँव ना काटने पड़े, वो दवा लगा दी जाए तो ठीक हो जाए। ये उस चीज़ की डिस्कवरी कर रहे थे। इनके यहाँ लगातार डिस्कवरी चली थी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्या है, एक लैब है, मेरा क्लासरूम है, मेरा एक स्टूडियो है, मैं यहाँ से आपको क्लास दे रहा हूँ। ऐसे बेटा जो इनका जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो एक लैबोरेटरी में चल रहा था, एक लैब में चल रहा था बेटा। पता आपको लैब में जो एक होता है चीफ होता है, बाकी काफ़ी सारे क्या होते हैं, वो स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि आप जब पीएचडी करेंगे, जब आप जाएंगे, या फिर जैसे आप एमबीबीएस करेंगे, तो कुछ आपको जो आपको पढ़ाएंगे वो एडवांस लोग होंगे, वो भी पढ़ ही रहे होंगे। जैसे जब आप एमबीबीएस करेंगे तो फाइनल ईयर वाला बंदा जो होगा वो आपको पढ़ाएगा, तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, तो वो भी आप बॉडी पे आप भी वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो भी कर, लेकिन वो भी पढ़ ही रहा है,
लेकिन वो बड़े लेवल पे कर रहा है और आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं। तो इनके साथ भाई इनकी हेल्प करने वाली भी थी, तो एक इनके यहाँ जो हेल्प करने की इनकी एक लेडी थी जो इनके यहाँ स्टूडियो इनके लेबोरेटरी में काम करती थी इनके लैब में, वो क्या करती थी, उसका काम था इनके लिए डेली सुबह नाश्ता लाना। तो वो रोज़ कुछ ना कुछ नाश्ता लाती थी भाई, भूख लगती थी, जैसे मेरे यहाँ कोई आएगा तो मैं कहूँगा भाई आ रहे हो तो लेते आना, तो इनके यहाँ भी जो लेडी आती थी वो क्या करती थी, डेली उसका काम था नाश्ता लाना, वो नाश्ता लाती थी। एक दिन उसने क्या किया कि नाश्ते में इनको ब्रेड ला के दिया, ठीक है, ब्रेड लाई और वो ब्रेड रख के चली गई। इन्होंने क्या किया, ब्रेड को खाया नहीं और ब्रेड पड़ा था काफ़ी टाइम, ये देखते रह गए, उस ब्रेड में इनको फंगस दिखे, क्या दिखे बेटा, फंगस दिखे। और उस फंगस में इन्होंने जब देखा तो देखा कि बहुत सारे फंगस लगे, तो उन्होंने उससे कहा कि काम करो, जहाँ से तुम लाई हो इसको जाओ, इस ब्रेड को और ज़्यादा मात्रा में लेके आओ, ठीक है, और पुराना लेके आओ। तो उस दुकान पे गई, उसने उससे कहा कि जो आपके पास और एकदम एक्सपायर्ड माल हो वो मुझे दीजिए, ठीक है। वो वहाँ से लिया और इनको पास ले आई, ढेर सारे ब्रेड के पैकेट रख दिया। तो ब्रेड के पैकेट जब इनके पास ढेर सारे आए तो इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और आपको बता दें ब्रेड पे लगे फंगस पे, ब्रेड के पे लगे फंगस से, ब्रेड पे लगे फंगस से, फंगस से स्टडी करके, ब्रेड पे लगे फंगस पे स्टडी करके, शोध करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके फाइनली इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। और डिस्कवरी किस चीज़ की हो गई बेटा, पेनिसिलिन की हो गई। पेनिसिलिन की वजह से आज सोचे कितना फ़ायदा होता है, जितने भी फंगस लग जाते हैं लोगों के, सड़न होने लगती है, वहाँ पे हम पेनिसिलिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जब पेनिसिलिन, मतलब जब वो तो सिर्फ एक नॉर्मल दवा बनाने जा रहे थे ना, बट आगे दवा, लेकिन उन्होंने सोचा था क्या कि हमारे नाश्ते में, भाई ये तो अलग पार्ट हो गया ना, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है भाई, नाश्ता कोई आपके यहाँ आए और नाश्ते में आप कुछ नया खोज दें तो ये तो आपका पार्ट नहीं, क्योंकि आपके लेबोरेटरी में नाश्ता थोड़ी आपका पार्ट है, आपके लैब में नाश्ता थोड़ी ना आपका पार्ट है, नाश्ता तो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, क्योंकि लैब में आप जो चीज़ कर रहे हैं उस पर होना चाहिए ना काम। तो लैब में तो जो चीज़ें चल रही थी उससे इन्होंने दवा बनाई नहीं, इन्होंने दवा कहाँ से बनी बेटा, ब्रेड से। किस पे बनी, ब्रेड से, ब्रेड पे लगे फंगस से डिस्कवरी हुई किसकी, पेनिसिलिन की, ठीक। दूसरी डिस्कवरी, तीसरी डिस्कवरी बात कम करते हैं बेटा, एडवर्ड जेनर की। किसकी बात करते हैं, एडवर्ड जेनर की। एक टाइम पे बेटा स्मॉल पॉक्स बहुत तेज़ फैला था, क्या फैला था बेटा, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, बहुत तेज़ फैला हुआ था स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स जो है उसकी दवा बनाने का प्रयास हो रहा था कि कैसे दवा बने, और लोग जो है दवा ढूंढ रहे थे बहुत बड़ी जगह, अच्छी अच्छी जगहों पर डिस्कवरी चल रही थी कि कुछ कैसे भी खोजा जाए। जैसे कि अभी आप देखिए कि कोविड का टाइम आया, जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पता है आपको हर देश ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है, हर देश ने, जितनी भी लैब थी सारी लैबों में काम चल रहा था, हमारे यहाँ भी इंडिया में भी, बेंगलुरु में, चेन्नई में, जितनी भी जहाँ जहाँ भी लैब्स है हर जगह काम चल रहा था, क्या बनाने के लिए बेटा, वैक्सीन बनाने के। तो ऐसे बेटा जब स्मॉल पॉक्स आया तो वैक्सीन बनाने के लिए बेटा क्या हुआ कि हर जगह जो है बिल्कुल हुड़दंग कटने लगा कि नहीं वैक्सीन बनानी, वैक्सीन बनानी, हर आदमी वैक्सीन बनाने लगा। तो एडवर्ड जेनर साहब ने, भाई तब तो वैक्सीन का किसी को पता ही नहीं था, ये तो फादर हैं उस चीज़ के, तो एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन की डिस्कवरी की बेटा, वो पता है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बननी थी, किसकी बननी थी बेटा, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था उस टाइम पे, इन्होंने क्या किया बेटा, जो काउ पॉक्स होता है, काउ पॉक्स, ये बेटा डिसीज जितनी भी आपको हम बोल रहे हैं बहुत डीप में पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इन्होंने बेटा स्मॉल पॉक्स पे डिस्कवरी कर रहे थे कि स्मॉल पॉक्स के कुछ ऐसी दवा बन जाए, तो स्मॉल पॉक्स की जो डिस्कवरी थी वो देखते जाइए आप, कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो दवा बननी थी वो इनको स्मॉल पॉक्स से नहीं मिली, इन्होंने एक काम किया, ऐसे एक एक्सपेरिमेंट कर डाला, काउ पॉक्स जो होता है, काउ पॉक्स में जो फफोले बनते हैं, फफोले के अंदर जो फ्लूड होता है, ठीक है, इन्होंने इंजेक्शन से उस फ्लूड को निकाला और उस फ्लूड पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने 8 साल के बच्चे पे ये ट्रायल किया, 8 ईयर के जो बच्चा था, 8 ईयर का बच्चा जो था उस पर ट्रायल हुआ, किस पे हुआ बेटा, 8 ईयर के बच्चे पे ट्रायल हुआ। और आपको जान के हैरानी होगी कि इतना सफल इलाज हुआ इस चीज़ का कि ये जो काउ पॉक्स से निकला फ्लूड था, इससे जो वैक्सीन बनी, ये वैक्सीन काउ पॉक्स पे नहीं, इसने स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों पे राज किया। ये जो वैक्सीन बनी बेटा, इसने स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों पे राज किया, ठीक है, मतलब ये स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों के काम आई। एडवर्ड जेनर ने जो डिस्कवरी हुई वैक्सीन की, और जो दवा बन के आई बेटा, जो फ्लूड बन के आया, उसका नाम बेटा हुआ वैक्सीन। इस समय वैक्सीन क्या है, इसकी कीमत आप समझ रहे होंगे कि इसमें वैक्सीन नाम लीजिए तो कितना अंदर वो आ जाता है, हलचल सी मच जाती कि वैक्सीन पूछते, वैक्सीन ले ली आपने, ले ली फर्स्ट सेकेंड बूस्टर सब। तो
ये तीन बेटा सेरेंडिपिटी जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी हमने बताया, एंटोन वन लेवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल बनाई, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, एडवर्ड जेनर साहब ने इसकी वैक्सीन की खोज की। ठीक, तीनों लोगों ने कुछ और डिस्कवरी करने का प्रयास किया, कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो गया। ठीक है, हालांकि जो हुआ, ये जो कर रहे थे वो शायद इतना अच्छा ना होता, लेकिन जो हो गया वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, वो बहुत अच्छा हुआ। तो ये चीज़ें, यहीं पर बेटा अभी हमने एक शब्द वहाँ बोला था पैंडमिक, तो एक यहीं पर चीज़ और जान लेते हैं। ठीक है, इधर लिखते बेटा एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। ये दो शब्द है बेटा, ये तीन शब्द जो हैं अक्सर आपको इसमें जो तीसरा वाला शब्द है इस दिन 2 से 3 सालों में आपको बहुत सुनने को मिला होगा। पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में पहले फर्क समझ लीजिए बेटा। जैसे ही गोला है हमारा, ठीक है, गोला, गोला मतलब समझ गए आप, ये पूरा अर्थ, ये गोला है और ये गोला है। ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जो इस पूरे गोले में यहीं तक है। ठीक है, एक छोटे से रीजन तक है, सिमट गई है, एक छोटी सोसाइटी में सिमट गई है, वो बेटा होती है एंडेमिक। ठीक है, वो होती है एंडेमिक। बट जो कोई बीमारी है बेटा और एक रीजन से कई जगहों पे फैल चुकी है, कई जगहों पे फैल चुकी है, ठीक है, इतनी जगहों पे, उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक। क्या कहते हैं बेटा, एपिडेमिक। बट वही बीमारी बेटा, कोई बीमारी ऐसी है जो पूरे गोला में आधा से ज़्यादा जगहों पर पहुँच चुकी है, ठीक है, उसको बेटा कहते हैं एपिडेमिक। आप समझिए, ऐसे कोई बीमारी है, ठीक है, कोई बीमारी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट तक सिमट के रह गई है, हमारे स्टेट तक सिमट के रह गई है। ठीक है, कोई एक ऐसी बीमारी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या हमारे स्टेट तक सिमट के रह गई है, उसको हम बेटा कहते हैं एंडेमिक। क्या कहते हैं, एंडेमिक। कोई बीमारी है बेटा जो हमारी पूरी कंट्री में फैल चुकी है, हमारी पूरी कंट्री में फैल चुकी है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एपिडेमिक। हमारे साथ एक दो जगहों पर और फैल चुकी है, उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक। कोई ऐसी बीमारी है बेटा जो हमारे साथ, हमारी कंट्री के साथ साथ 10-20 और कंट्री में फैल चुकी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, पैंडेमिक। क्या कहते हैं बेटा, पैंडेमिक। जैसे COVID-19, क्या कहते हैं, पैंडेमिक। पैंडेमिक का हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या नाम है बेटा, पैंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी। ठीक है, इसको कहते हैं जिले या राजकीय महामारी। इसको क्या कह सकते हो बेटा, जो देशव्यापी महामारी हो, पूरे देश में फैली हो, ये जो मतलब विश्वव्यापी हो, जो पूरे विश्व में फैली हो, वैश्विक महामारी। ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। आप समझ गए, जैसे कि एंडेमिक में आप आयोडीन की कमी से या मच्छरों की वजह से जो रोग हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, आयोडीन लिखना क्या, आप समझ लीजिए। एंडेमिक में जैसे छोटे रीजन जो होते हैं, एंडेमिक में जैसे आयोडीन की कमी से या मच्छरों के काटने से, इसमें एपिडेमिक में आप टीवी लिख लीजिए, यहाँ पैंडेमिक में आप कोविड लिख लीजिए। ठीक है, कोविड। तो ये हो गया बेटा जो है चिकन पॉक्स या कोविड, जो भी। तो इतनी चीज़ें आपने जान ली। अब आपने बेटा आज की क्लास का जो है 90% कंप्लीट कर लिया है, 10% और चीज़ें हैं, 10% आप जान लीजिए, उसके बाद बेटा क्या करते हैं, करते हैं दी एंड। अभी तक बेटा हम क्या से पढ़ रहे हैं बेटा, जो हमारा लेक्चर है इसका क्या नाम है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। बेटा आज हमने बड़ा धीरे पढ़ा रहा है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, हालांकि हम इसलिए कर रहे हैं ना बेटा, अभी हमने कल ही कहानी पढ़ी थी, जल्दी का काम शैतान का। हम शैतान तो है नहीं, हम तो इंसान हैं, तो इसलिए बेटा हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। फिलॉसफी ऑफ बायो लॉजी, ठीक, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। क्या लिखा बेटा, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। फिलॉसफी का मतलब पता है बेटा आपको, आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप फिलॉसफी पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट है पूरा, एक यूनिट है फिलॉसफी, एक टीचर होंगे जो आपको टोटल फिलॉसफी पढ़ाएंगे। फिलॉसफी बहुत बड़ी चीज़ है। फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी का मतलब है कि इसको पढ़ने का, इसको मतलब पढ़ने के लिए एक जो
पूरा एक कहानी की तरह चीज़ों को आपको इलेबोरेट किया जाए, ठीक है। तो फिलासफी ऑफ बायोलॉजी में आप समझिए कि पहली चीज़ हमें जो यहाँ पढ़ानी है चाहिए वो ये पढ़ानी चाहिए कि आपने अभी तक बेसिक बेटा पढ़ लिया है, ठीक है। बेसिक आपने जान लिया कि बायोलॉजी के जितने बेसिक्स थे शायद आपने 90% कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में अगर आप डॉक्टर बनने आए हैं तभी आप हमसे पढ़ने आए हैं, क्योंकि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। तो पहली चीज़ तो आपको हमें बतानी चाहिए कि 9th, 10th, 11th और 12th एनसीईआरटी में क्या क्या है, ठीक है। वो इतना हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और 2 से 3 घंटे में वही बताने में लग जाएंगे, क्योंकि टोटल बेटा 50 चैप्टर है। बट फिर भी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है बेटा। हम आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है बेटा, चार क्लास की बायोलॉजी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चार क्लास की बायोलॉजी पढ़ाएंगे। 9th में बेटा हमारे टोटल 6 चैप्टर हैं, 10th में बेटा 6 चैप्टर हैं, 11th बेटा हमारे 22 चैप्टर हैं और 12th में बेटा हमारे 16 चैप्टर हैं। जब आप बेटा टोटल ऐड करेंगे तो बेटा पता है कितने आएगा, ये बेटा आएगा टोटल 50 चैप्टर, टोटल 50 चैप्टर। और इसी की वजह से बेटा हमारे इस पूरी जो हमारी पूरी थीम चल रही है, जितना भी हमारा पूरी सीरीज चल रही है, इसका नाम है क्या बेटा, मिशन 50। क्या नाम बेटा, मिशन 50। तो ये चीज़ हमने आपको बेसिक बता दी, इसमें कुछ इससे ज़्यादा हम आपको कुछ इसमें नहीं बता सकते। 6 चैप्टर ये हैं। अब एक चीज़ और बता देंगे, जो आप क्लास 9th में शॉर्ट में पढ़ेंगे वही चीज़ आप क्लास 11th में लॉन्ग में पढ़ेंगे, जो आप क्लास 10th में शॉर्ट में पढ़ेंगे वही चीज़ आप क्लास 12th में लॉन्ग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कह लीजिए ये आपका बेस है, आधार, नींव, ये आपका मजबूत घर है, ये फिर ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का की जो जर्नी है, इसके पहले आप ये जब जान लेंगे तो आपको यहाँ पहुँचने में आसानी होगी। ये आपका बेसिक 9th, 10th, 11th, 12th चैप्टर का बारे में, कि टोटल 50 चैप्टर, 9 में 6 चैप्टर, 10वीं में 6 चैप्टर, 11वीं में 22 चैप्टर और 12वीं में 16 चैप्टर, 6, 6, 12, 22, 16, 38, 38, 12, 50 चैप्टर, ठीक। इतना हो गया। अब यहीं पर मुझे एक चीज़ और बतानी चाहिए आपको कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। कक्षा 11वीं से 12वीं में जाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे, 9th से 10वीं में जाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देना है आपको, एक एग्ज़ाम देना है जो NTA करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नीट क्या है बेटा इसके बारे में आपको नहीं बताएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक पार्टिकुलर, एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने आपको बना के रखा हुआ। जब आप उत्सव सोशल प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब आप हमारे वीडियो चैनल पे, यूट्यूब जो हमारा चैनल है वहाँ पे जब आप जाएंगे, उत्सव सोशल एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको नीट के बारे में और साथ ही बहुत सारे कोर्सेज के बारे में वीडियो पार्टिकुलर मिलेंगे। नीट का वीडियो देखिएगा, अभी नया है, जो नया प्लान है उसके जो नीट ने अपने आप में अपडेट किया सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग है, तो बहुत डीप उसमें बताया गया है और बहुत बेहतर आपको समझाया गया, तो वो आपकी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। इससे ज़्यादा यहाँ हम आपको नहीं बताएंगे। अब हाँ, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। बेटा एक शब्द आता है आपने अक्सर सुना होगा, टेट्रापीडल, एक होता है बाईपीडल, ठीक है, टेट्रापीडल और बाईपीडल। टेट्रापीडल और इधर एक होता है बाईपीडल। बेटा पापा तुम्हारे बाईपीडल हैं कि टेट्रापीडल, चलो पूछ के बताना ना। अब मुझे गाली मत देना, सॉरी। नहीं है चाचा, कौन है चाचा, चाची बोल रहे लौंडे, मैं चाचा हैं, सूख के छुहारा हो गया, दिख नहीं रहा तुम्हें, चाचा की आंख, कानपुर के हैं तो पान भी खाते होंगे, खाते हैं, खिला दिया जाए। हाँ बेटा, दो शब्द यहाँ पे हमने लिखे हैं, एक टेट्रापीडल एक बाईपीडल। टेट्रापीडल का मतलब बेटा होता है चार पाँव वाले, जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, चित्र इतना अच्छा तो नहीं बना लेकिन समझने के लिए ठीक है। बाईपेडल दो पाँव वाले, बेटा आपके दो पाँव हैं कि चार, किसी के चार पाँव तो नहीं है, चार पाँव होंगे तो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दो पाँव वाले हो तो अच्छी बात है, हमसे बिल्कुल आप मिलते जुलते, बधाई हो, आप हमसे मिलते जुलते। ये चार पाँव वाले
हैं, ये दो पाँव वाले चचा हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बड़ा टर्म है। हम अक्सर बोलते रहते हैं, कभी किसी को आपने देखा होगा कि डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है। आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बहुत काम आएगा कि डोर्सल साइड में क्या है, वेंट्रल साइड में। किडनी पूछेंगे किधर है, डोर्सल में है कि वेंट्रल में है। ठीक है, आपको पूछेगा जाएगा कि इंटीरियर पोस्टेरियर, इंटीरियर व्यू पोस्टेरियर व्यू, आप अक्सर इन टर्म को सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानना है, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ बेटा, देखो आपको बहुत से लोगों ने सिखाई होगी ये बात, बहुत नया नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल नया है। पूछे नया क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं बेटा डॉर्सल। अब बेटा चार पाँव वाला जीव है नहीं, नहीं तो हम दिखा देते। हम चार पाँव के जीव बन गए बेटा, इस चीज को ही क्या है हम बोल रहे हैं डॉर्सल। ये क्या है बेटा, हमारा डॉर्सल है। ठीक है, नीचे का जो भाग है हमारा क्या है, वेंट्रल साइड है। टेबल लाए क्या बेटा, दिख नहीं रहा? नीचे का जो साइड है बेटा वेंट्रल साइड है, ऊपर का जो साइड है बेटा वो डॉर्सल साइड है। ये जो सामने का बेटा है हमारा, ये सर हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। जो पीछे की जगह हमारी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पोस्टेरियर कहते हैं। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। अब लेकिन आप बोलेंगे ये मालिक इसको पहचाना कैसे जाए, आगे का इंटीरियर, पीछे का बेटा पोस्टेरियर। ठीक, पोस्टेरियर इधर भी बेटा वही है, आगे का वेंट्रल, यहाँ नीचे का वेंट्रल था, यहाँ आगे का वेंट्रल है, यहाँ पीछे का बेटा डॉर्सल, ऊपर का यहाँ भी इंटीरियर और नीचे का बेटा यहाँ भी पोस्टेरियर। ठीक है, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ मैं आपको इतनी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ कि इससे आप किसी भी जीव के बारे में बढ़िया आप डिफाइन कर लेंगे। देखिए बेटा, ये जो चीज़ है, जो डॉर्सल वेंट्रल इंटीरियर पोस्टेरियर शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये मेनली बाईपेडल के लिए नहीं किए गए, ये टेट्रापेडल के लिए किए गए हैं। किसके लिए बेटा किए गए हैं, टेट्रापेडल, जो चार पाँव वाले जीव होते हैं। लेकिन बेटा दो पाँव वाले के जीव में भी तो पूछा जाएगा कि बेटा वेंट्रल साइड बताओ, डॉर्सल साइड बताओ। वेंट्रल हमारा क्या है बेटा, अगवाड़ा, आगे का जो साइड हमारा क्या है, वेंट्रल साइड है। पीछे का जो साइड है बेटा ये क्या है, डॉर्सल साइड है। आप इस समय डॉर्सल साइड से मुझे देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा एंटीरियर व्यू है, ये मेरा एंटीरियर व्यू। पोस्टेरियर व्यू आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको नीचे झुकना पड़ेगा, आप झुक नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, जो हमारा जंतु है, गाय है, भैंस है हमारी, इसमें देखिए आप ऊपरी भाग जो हमने इसका था उसको, जो ऊपर भाग आसमान की तरफ, इसको हमने डॉर्सल बोला, जो नीचे इसको हमने वेंट्रल बोला, जो इसका पिछवाड़ा है, पीछे का भाग है, इसको हमने पोस्टेरियर बोला। अगवाड़ा को एंटीरियर, पिछवाड़े को पोस्टेरियर। शर्माने का नहीं बेटा, बायोलॉजी है इसमें। ठीक है, बेसर मन के पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। अगवाड़े को क्या बोलते हैं, एंटेरियर, अगवाड़ा एंटेरियर, पिछवाड़ा पोस्टेरियर। ठीक है, अगवाड़ा एंटेरियर, पिछवाड़ा पोस्टेरियर, ऊपर जो है वो डॉर्सल है, नीचे वेंट्रल है। अब आप एक चीज़ के कन्फर्म हो रहे हैं कि गुरु जी यहाँ पे मालिक, यहाँ पे ऊपर का डॉर्सल है, नीचे का वेंट्रल है, यहाँ पे सामने का एंट्रल है, पीछे का डॉर्सल है, हम कन्फ्यूज हो गए। एक चीज़ पकड़ लो बेटा, कभी कन्फ्यूज नहीं होगा जीवन में। पकड़नी क्या बेटा, बैकबोन। क्या पकड़नी है, बैकबोन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिस तरफ बैकबोन होती है, बैकबोन का मतलब बेटा बेटा होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है, जिस भी तरफ, जिस भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिस तरफ बैकबोन होती है उसको हम बेटा हमेशा डॉर्सल साइड कहते हैं। हमारे तरफ बेटा बैकबोन कहाँ है, ये हमारी बैकबोन है क्या, हमारी बैकबोन क्या है बेटा, ये है बैकबोन, ये है बेटा, तो ये हमारा क्या है, डॉर्सल है। भैंस में भी बेटा बैकबोन क्या होती, ये नहीं होती नीचे, बैकबोन ऊपर होती बेटा, कहाँ होती, ऊपर। तो ये बेटा क्या हो गया, उसका डॉर्सल साइड हो गया। बैकबोन जो होती है वो हमेशा डॉर्सल साइड में होती है, और डॉर्सल के अपोजिट वेंट्रल होता है, डॉर्सल के अपोजिट वेंट्रल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है बेटा, जैसे हम हैं तो हमारा अगर डॉर्सल ये है तो जाहिर सी बात है अपोजिट हमारा क्या है, अपोजिट हमारा ये नहीं बेटा, अपोजिट हमारा ये है, तो ये क्या है बेटा, वेंट्रल है। क्या है, वेंट्रल है। ऐसे ही बेटा चार पाँव वाले जीव में बैकबोन आपने पकड़ ली, बैकबोन कहाँ बेटा, ऊपर है। ऊपर अगर बैकबोन है तो नीचे क्या है बेटा, वेंट्रल है। क्या है बेटा, वेंट्रल है। डॉर्सल ऊपर है तो वेंट्रल नीचे, बैकबोन पकड़ लीजिए। बैकबोन मतलब जहाँ भी होगी वो डॉर्सल होगा। डॉर्सल में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे बेटा, कितना तगड़ा आपको बता दिया। अगवाड़ा इंटीरियर, पिछवाड़ा पोस्टेरियर हमेशा याद रहेगा, कभी जीवन भूलोगे नहीं। अब जहां बैकबोन है वो डॉर्सल है, बैकबोन जो डॉर्सल है, विच बाकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है, वेंट्रल है। चार पाँव वाले हैं तो पिछवाड़ा का, पिछवाड़ा क्या हो गया, पोस्टेरियर। अगवाड़ा क्या हो गया, इंटीरियर। बैकबोन का है बेटा, ऊपर है तो क्या हो गया, वेंट्रल, डॉर्सल, और उसके अपोजिट वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रल। अब हम ये हम चार पाँव वाले थे, देखो बेटा हम दिख रहे हैं आपको, चार पाँव वाले हैं हमारा बेटा। अगवाड़ा जो है ये आगे वाला सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर। जो
जो पीछे वाला सिस्टम बेटा इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टेरियर। इसके बाद बेटा जो एंटीरियर आगे वाला, पीछे वाला पोस्टेरियर, साथ में बेटा जो ऊपर का जहाँ पे हमारी ये बैकबोन है, ध्यान से दिख रही है आपको बैकबोन, ये हमारी जो बैकबोन है, ये बेटा जो बैकबोन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डोर्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डोर्सल। और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, वेंट्रल। ठीक, अब हम चार पाँव वाले थे, अब हम क्या बन गए बेटा, दो पाँव वाले। दो पाँव वाले बेटा जो हमारा एंटीरियर आगे वाला ऊपर वाला सीन है वो क्या कहते हैं बेटा, एंटीरियर। जो पीछे वाला सीन है पोस्टेरियर, पिछवाड़ा क्या है, पोस्टेरियर। नीचे वाला जो पिछवाड़ा, पहले पिछवाड़ा था वो कहाँ चला गया, नीचे। तो अब ऊपर और नीचे का केस आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल। मुंह जो है वो क्या है, इंटीरियर है, जहाँ से खा रहे वेंटीरियर है, जहाँ से निकल रहा है पोस्टेरियर है। ये उसमें भी है, चार पाँव वाले में भी, दो पाँव वाले में भी। ठीक है, जो बैकबोन है वो क्या है, डोर्सल है। जो सामने अपोजिट साइड है वो क्या है, वेंट्रल है। ये टर्म आप समझ गए होंगे, इसके बारे में मुझे अब आपको नहीं बताना। ठीक बेटा, ये आप समझ गए, घबरा नहीं बेटा, थोड़ा सा बचा हुआ। बेटा दो चीज़ें यहीं पे हम आपको और बता रहे हैं। ठीक बेटा, एक प्रफिक्स शब्द है, प्रफिक्स। ठीक है, एक बेटा है क्या, सफिक्स। ठीक है, प्रफिक्स और सफिक्स। ठीक है, प्रफिक्स और सफिक्स। प्रफिक्स को बेटा हम हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग। और बेटा सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रफिक्स को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सफिक्स को क्या हम क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को ध्यान से समझिएगा। ठीक, मैं एक नाम लिख रहा हूं बेटा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अंबेडकर, ठीक, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, ये बेटा कौन है, संविधान के निर्माता है हमारे। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनका नाम ने मैंने लिखा बेटा। अब इसमें आपको मैं पहचानना है कि कौन सा प्रफिक्स है, कौन सा सफिक्स है। आपको ध्यान से होगा, नाम के पहले वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, जे मैं हूँ। ठीक है, जे मैं हूँ, मैं कौन हूँ, शिवम। मैं कौन हूँ, शिवम। शिवम के पहले वाला शब्द, अगर भविष्य में शिवम डॉक्टर बन जाता है तो क्या बन गया, डॉक्टर शिवम। तो बेटा जो शिवम के पहले वाला जो राइट साइड में लिखा है वो क्या बेटा, प्रफिक्स है। जो लेफ्ट साइड में लिखा है बेटा वो सफिक्स है। ठीक है, शिवम अगर गलती से बेटा डॉक्टर बन जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, डॉक्टर शिवम। ठीक, बाकी बेटा अगर डॉक्टर नहीं भी बनता है, ठीक है, शिवम शिवम है, अगर शिवम डॉक्टर बन जाता है तो बेटा प्रफिक्स में क्या जुड़ जाएगा, इस साथ में क्या जुड़ जाएगा, डॉक्टर जुड़ जाएगा। शिवम के पहले डी आर जुड़ जाएगा, बट बेटा शिवम तो है ही, और सफिक्स में क्या बेटा, पांडे लगा हुआ है। ठीक है, शिवम संजय पांडे लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रफिक्स और सफिक्स में यही फर्क है, शिवम मेरा नाम है, आगे क्या है, मेरा सरनेम जुड़ा हुआ, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और जो नाम के हमारे पहले जुड़ा हुआ बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम है। डी आर बेटा क्या है, इसका प्रफिक्स है, इस नाम का जो प्रफिक्स है वो क्या है, डी आर है। बी आर भीमराव क्या है, इसका मेन नाम है। ठीक है, बी आर इसका मेन नाम है, भीमराव, जो भीमराव है ये बेटा, इस नेम में बी आर इसमें क्या मेन है। बाकी बेटा जो अंबेडकर है ये क्या बेटा, सफिक्स है, डी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो डी आर और क्या है बेटा, प्रफिक्स है, बी आर नेम है, मेन नेम है, और अंबेडकर क्या बेटा, सफिक्स है। ठीक है, डी आर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, नाम के पहले, नाम के राइट साइड में जो चीज़ जुड़ती है बेटा उसको हम प्रफिक्स कहते हैं, उसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। नाम के लेफ्ट साइड में जो चीज़ जुड़ती है बेटा उसको हम प्रत्यय कहते हैं, उसको हम बेटा सफिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको एक बात जान के बहुत अच्छा लगेगा, प्रफिक्स आपको, सॉरी सफिक्स आपको विरासत में मिल सकती है, सफिक्स आपको विरासत में मिल सकती है, लेकिन प्रफिक्स आपको विरासत में कभी नहीं मिलती, प्रफिक्स आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने भी यहाँ पे पढ़ा होगा, पिडल, पिडल के पहले एक जगह लिखा था टेट्रा, एक जगह लिखा था बाई। क्यों लिखा था, क्योंकि उनमें गुड़ थे, टेट्रा मतलब चार पाँव वाले, तो उसमें लिखा था पिडल के पहले टेट्रा पेडल, एक लिखा था बाई पिडल, बाई मतलब दो,
ठीक है। तो वो बेटा क्या है, आपके जो गुण हैं, विशेष गुण, आपके विशेष गुणों की वजह से आपको क्या है बेटा ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ आपको क्या है विरासत मिलती है। शिवम डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन पांडे संजय पांडे लगा रहेगा, ठीक है। शिवम संजय पांडे बना रहेगा, शिवम डॉक्टर बने या ना बने, क्योंकि शिवम संजय पांडे विरासत में मिला है, शिवम नाम है, संजय पांडे विरासत में मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जो लगा बेटा ये इनकी गुणों पे लगा है, इनके नाम क्या गया समझ ना, ये इन्हें विरासत में नहीं मिला। हाँ अम्बेडकर इनको विरासत मिला, इनका सरनेम था इसलिए इनको विरासत मिला, ठीक है। एक नाम बहुत फेवरेट है मेरा, डॉक्टर तनु जैन, तनु जैन जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जानेंगे, सर्च करिएगा, ठीक है। डॉक्टर तनु जैन, डॉक्टर बेटा जो सफिक से बेटा ये इनके जो इस नाम में विशेष गुण है बेटा ना, इस वजह से मिला, जो राइट साइड में ये चीज़ लिखी गई है बेटा, जो राइट साइड में चीज़ जुड़ी हुई है नाम के पहले, डॉक्टर ये इनके इस नाम के गुण की वजह से जुड़ा है। बाकी जो बेटा ये जैन जुड़ा हुआ ना, ये अगर ये गुण होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन ये जुड़ा रहेगा, ये इनको विरासत में मिला हुआ है, ठीक है। जैन क्या है, विरासत में मिला हुआ है, ये इनका सरनेम क्या है, विरासत में। लेकिन जो ये बेटा डॉक्टर जुड़ा हुआ है ना बेटा, ये क्या है, प्रफिक्स जुड़ा हुआ है, ये इनको इनकी मेहनत से मिला है। तो एक चीज़ समझिए, प्रफिक्स और सफिक्स में यही है, नाम के पहले जो जुड़ा वो प्रफिक्स है, नाम के बाद जो है वो सफिक्स है, ठीक है। प्रफिक्स और सफिक्स में जो नाम के पहले है वो प्रफिक्स है, जो नाम के बाद है वो सफिक्स है। तो प्रफिक्स और सफिक्स इतना हो गया, ठीक। अब इतना जानने के बाद बेटा वन सेकेंड बेटा, ओनली वन सेकेंड। हाँ बेटा सॉरी, प्रफिक्स और सफिक्स, ठीक। आपने नाम जो जो ना कि जो नाम के पहले है बेटा वो प्रफिक्स है, जो नाम के बाद है बेटा, जो नाम के पहले है वो प्रफिक्स है, जो नाम के बाद है वो सफिक्स है, इतना आपने जान लिया। प्रफिक्स आपको कभी विरासत में नहीं मिलता, प्रफिक्स आपको बनाना पड़ता है, सफिक्स आपको क्या होता है बेटा, विरासत मिलता है। उपसर्ग आपको बनाना पड़ता है, प्रत्यय आपको विरासत मिल सकता है। लास्ट चीज़ जो आपको बेटा सिखानी वो सिखा दे रहा है, इसके बाद गोल्डन पॉइंट्स और फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा एक जो लास्ट चीज़ है वो सीख लीजिए, सिस्टम क्या है बेटा। कभी सिस्टम सब सुना है आपने, हम कहते हैं कि ये हमारी जो बॉडी है पूरी सिस्टम है। सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं, इसलिए क्या है बॉडी में बेटा, ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक। जैसे आपने कभी कंप्यूटर अगर आपके घर में होगा तो आप कंप्यूटर को लोग ये नहीं कहते कंप्यूटर चला रहे हैं, आप कंप्यूटर बैठे हैं, क्या कहते हैं जल्दी से शॉर्ट में बोलते हैं, सिस्टम पे बैठे हैं। सिस्टम का मतलब ये बेटा कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मिल के कोऑर्डिनेट कर, जहाँ दो या दो के ज़्यादा चीज़ों से के कोऑर्डिनेशन से, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेट करती हूँ और एक फंक्शन को परफॉर्म करती हूँ, ठीक है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके या कोऑर्डिनेशन से एक फंक्शन परफॉर्म होता है, उसको बेटा हम सिस्टम कहते हैं। जैसे बेटा ये हमारा, जैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी में बेटा हमारा ये ऑर्गन है, हार्ट है, ठीक है, स्टमक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, तमाम बेटा बहुत सारे यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे क्या है, ऑर्गन है, ढेर सारे ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इस ऑर्गन सिस्टम को जोड़ के क्या बनी है बेटा, एक बॉडी बनी। जैसे आपकी कार है, कार में बेटा कई फंक्शन आपके एक साथ काम, कई चीज़ें एक साथ जुड़ के एक कॉर्ड के कोऑर्डिनेशन से एक फंक्शन को परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आप कार देखिए, कार में ऐसे ही समझ लीजिए, कार में आप देखने पता होगा आपको मोबिल भी डालते हैं और साथ में फ्यूल अलग से डालते हैं, ठीक है। तो फ्यूल डालते हैं और मोबिल डालते हैं, इसका मतलब क्या, दो अलग अलग टाइप के इंजन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब तो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, BS6 BS, इसमें और भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप नॉर्मल समझिए, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के काम करें और उस चीज़ को परफॉर्म करें, एक बढ़िया रिजल्ट है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे साथ कई लोग मिलके एक इस जगह पे काम करते हैं, तो ये बेटा क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है हमारा। हमारे साथ बहुत सारे टीचर मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के साथ एक फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। फंक्शन हमारा क्या बेटा, आपको पढ़ाना, ठीक है, आपको उस लेवल तक ले जाना। हम आपको डॉक्टर नहीं बनाते बेटा, ठीक है, हम आपको डॉक्टर बनने के लायक बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो आप खुद बनेंगे,
वो हम नहीं बना सकते आपको, ठीक। तो जो डॉक्टर बनने की जो जर्नी है आपकी, आपको जो नीट वाला एग्ज़ाम आपको देना है, तो उस नीट वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लायक जो हम बनाते हैं, हमारी टीम के जो और लोग हैं, तो कुल मिला के दो या दो से ज़्यादा, मैं कुछ और लोग, उससे ज़्यादा लोग मिल के एक कोऑर्डिनेशन से एक फंक्शन परफॉर्म होता है, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम शब्द आप समझ गए, जैसे ये हमारा हमारी बॉडी है, वह भी एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक। इतना आप समझ गए। अब बेटा मेन चीज समझ लीजिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक। दूसरा बेटा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेव वाटर एंड एनर्जी। बेटा ये बायोलॉजी के दो गोल्डन पॉइंट्स हैं। क्या बेटा? गोल्डन पॉइंट्स। हमारा जो जीवन का उद्देश्य बेटा, जो बायोलॉजी कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका दो ही है। पहला वो जाए, सॉरी सर्वाइव, पहला वो जाए तो सर्वाइव करे, दूसरा क्या है, अपने जैसा बना के आए, ठीक है। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है बेटा, जो बायोलॉजी के रिगार्डिंग है, वो क्या है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म अगर जीवन में कुछ करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन हर आदमी चाहता है कि वो यहाँ सर्वाइव करे। कौन चाहता है कि मर जाए? कोई चाहता है क्या बेटा? हर आदमी चाहता है कि यहाँ जिंदा रहे, सर्वाइव करे। तो हर आदमी सर्वाइव करना चाहता है, और हर आदमी अपने जैसा एक बना के जाना चाहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो वंशावली, मेरी जो जनरेशन है, वो बढ़नी बढ़ती रहे, ठीक है, वंश मेरा बढ़ता रहे। तो पहली चीज़ बेटा जो मेन है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। दूसरा है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेव वाटर एंड एनर्जी। बेटा आपको पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएस, आईएएस, डीएम, ईएम, पीएम, जितना भी है बेटा, ये हमारे ख्वाब हैं, ये बायोलॉजी के ख्वाब नहीं, जिसने ऊपर वाले ने हमें भेजा यहाँ पे, ये उसके ख्वाब नहीं बेटा, ये हमारे ख्वाब हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उससे बड़ी बात है बेटा एक अच्छा आदमी बनना, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना, क्या बनना चाहते हो, तो लोग कहते हैं डॉक्टर। बेटा सबसे बड़ी बात है डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद, हालांकि मैं आपको आपका मैं मोरल नहीं डाउन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रकार का बहुत बड़ा मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर आप बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर सीएम पीएम बनने के बाद एक आदमी बने रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बायोलॉजी हमेशा कहती है कि आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आप यहाँ पर सर्वाइव करें। सर्वाइव करने का मतलब है कि आप आदमी बने रहते हुए सर्वाइव करें, ठीक, और अपने जैसा एक अच्छा व्यक्ति यहाँ छोड़ के जाएँ, ठीक। पहली चीज़ हर ऑर्गेनिज्म चाहता है। दूसरा, हर आदमी क्या करना चाहता है साहब? पानी और एनर्जी, अपनी ऊर्जा और पानी को बचाना चाहता है, ठीक है। कौन आदमी चाहता है? कोई है ऐसा आदमी जो कि जो है क्या कहते हैं कि कह दो कि चलो कुछ काम करते हैं तो आपका ऐसे ही चला चले? हर आदमी आलसी हो गया, हर आदमी एनर्जी को सेव करना चाहता है। एनर्जी मतलब जो अंदर भी ऊर्जा, ठीक है, और बाहर जो है उसको भी सेव करना चाहता है, ठीक है। हर आदमी पानी और ऊर्जा को बचाना चाहता है, लेकिन आज के टाइम पे पानी कोई नहीं बचा रहा, ठीक है। शरीर की बात नहीं है, बाहर वाला पानी है, उसको भी वेस्ट मत कीजिए, वाटर को वेस्ट मत कीजिए, और एनर्जी को भी वेस्ट मत कीजिए। आप इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे घरों में आती है, हम उसका बिना मतलब का वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें फॉलो नहीं कर रहे पूरी तरीके से, हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो जो बायोलॉजी कह रही है वो तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जो रियल वाली चीज़ है वो फॉलो नहीं हो पा रही, ठीक है। तो आज की कहानी में बेटा हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट की थी, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट टू था हमारा, और सारा पढ़ते पढ़ते हमने फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पढ़ी, गोल्डन पॉइंट लास्ट तक हम आ चुके हैं, जो हमारे कंक्लूजन है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेव वाटर एंड एनर्जी, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे आज की क्लास पे, और बेटा जो नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास है बेटा, हम नाइन्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाइन्थ में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद ये चलता रहेगा कारवा, ठीक। तो
ये सिक्स चैप्टर अभी नाइन्थ के हम पढ़ेंगे, इसके बाद टेंथ के, फिर इलेवेंथ के, फिर ट्वेल्थ के, टोटल 50 के 50 चैप्टर। बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं और मेरी पूरी टीम आपको देगी, ठीक है। तो आई होप कि आपकी कहानी आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे बेटा, ये चीज़ें जो हमने आपको बताई बड़े काम की हैं, ठीक है, कहीं पूछी नहीं जाएंगी लेकिन बहुत काम की हैं। आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है लेकिन आप जब किसी जगह बैठेंगे तो आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। तो इन चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आपने आज की जो क्लास पढ़ी होगी आपको इतना मज़ा आया होगा, अगर आपने दिल से पढ़ी होगी आज की क्लास पूरे मन से, मज़ा आया होगा कि आपने पूरी कहानी की तरह पूरी क्लास को आज पढ़ा है। स्पीड बहुत स्लो थी, ठीक है, शायद आपको स्पीड बढ़ा के देखनी पड़े, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान, जिनकी ज्ञानवती धाराएं बहुत तेज़ हैं उन्हें स्पीड बढ़ानी पड़े। लेकिन जो मुझे लगता है जो बेसिक्स बच्चा है, जो बिल्कुल बेस बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा था ये। तो बेटा आज की कहानी यहीं तक, ठीक है, आज की कहानी जो है इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम मिलेंगे क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक।